साध जगत उजियार साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जान की माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसराओ अंत काल रघुबर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त का और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव के नाए जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदे महासुख जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहुं सुर भू बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधे जय श्री राम। बाजे रे मुरलिया बाजे 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 अधर धरे मोहन मुरली पर अधर धरे मोहन मुरली पर होठ पे माया विराजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे हरे हरे बांस की बनी मुरलिया हरे हरे बांस की बनी मुरलिया मरम मरम को छुबे अंगुरिया मरम मरम को छुबे अंगुरिया चंचल चतुर अंगुरिया जिस पर चल चल चितर
अंगुरिया जिस पर कनक मुदरिया साजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे। पीली मुदरी अंगुरी श्याम मुदरी पर राधा का नाम मुदरी पर राधा का नाम आखर दिखे सुने मधुर स्वर आखर दिखे सुने मधुर स्वर राधा गोरी लागे बाजे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे। भूल गई राधा भरी गगरिया भूल गई राधा भरी गगरिया भूल गए गोधन को सवरिया भूल गए गोधन को सवरिया जाने ना जाने ये जग जाने जाने ना जाने ये जग जाने जाने सब जग जाने बाजे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे। ओम देव शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वे शांतिराप शांतिरोहदय शांति वनस्पत शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि यतो यतः समेहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः गुरु व्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशांतिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्याम नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः शशिपुरंदराभ्याम नमः मातृपितृगुरुचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वाभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः श्रीमंगलमूर्तये नमः विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुर्महेश्वर सरस्वती प्रणम्यादो धर्म कामार्थ सिद्धे वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य शम प्रभ निर्विघ्नम गुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम अपवित्रः पवित्रो वा शर्वावस्थां गतोऽपि वा शश्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स्वबाह्यभ्यन्तरः सजे ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनात् ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनात् ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनात् हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा ध्यानं कुर्यात्।
हरि ओम महागणावनांत्वा गणपति गुं हवामहे प्रियावणांत्वा प्रियपति गुं हवामहे निधिनांत्वा निधिपति गुं हवामहे वसो मम अहम जाओ निगर्मदमा त्वम जाओ शिखरवदम अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कश्चन सुसति स्वकः सुभद्रिकां काम्बे लवासिनीं इदं विष्णुर्वचक्रमेन्द्रैः धाव निदधे पदं समूढमसि वाग्म सुरे स्वाहा श्रेष्ठते लक्ष्मीश्चा बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणिरूपमश्विनौ व्यातं ईशान्यघाणामुम्बैघाण सर्वलोकमैघाण नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवधराय च आघ्लेन्नरजसा वृत्तमानो निवेशयन्नमृतं मृत्यं च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो जाति भुवना निवसयन्न उग्रश्च भीमसध्वान्तसधुनिस्तौ सहस्रमांश्चाभिगुवाचि विक्षिपः स्वाहा पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीपति जिघ्नमष्टुद्धिया वसुः ध्यानं ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः पादिहोपाध्यमस्त्रोर्घ्यमुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे सुस्नानीयं जलं समर्पयामि एतावानसमहिमातोजायांस्तवोरुहः पादोऽस्मि विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि चन्दनं त्वां नर्वा अकनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोघदे सोमो राजा विद्वान्यक्षमादमुच्यत पुष्पं पुष्मालाम् औघदेः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतेः प्रसूवरीः अश्वा इव सचित्वरिर्भिरुधावारिश्लवः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतां श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मनसा परिकल्पये धूपम् आग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि ॐ चन्द्रमा मनसो जातसक्षोः सूर्यो अजायत स्त्रोत्राद्वायुषप्राणसमुखाद्निरजायत हस्तौ प्रक्षालनं मानेवेद्यं पुरुतो निधाय निवेद्यं निवेदयामि ॐ नाभ्या आसीद्दन्तरिक्षकौ शीर्षणौद्योः समवर्तता पद्भ्यां भौ मृदिशः श्रोत्रास्तथा लोकान् अकल्पयन्न निवेद्यं निवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि ॐ प्राणाय स्वाहाबानाय स्वाहाभियानाय स्वाहा उदानाय स्वाहास्मानाय स्वाहा मध्ये मध्ये वानीयमुत्तराभूषणं जलं समर्पयामि कृतायाः पूजायाः सात्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणाम् ॐ जदत्तं जत्पराधानं जत्वोर्तञ्जाश्च दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वर्देवे खूनों दधत्त सात्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा प्रार्थना मन्त्रपुष्पाञ्जलिं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं श्वेतशवारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् ॐ जज्ञेन जज्ञमे जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्न स्तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः प्रार्थना पूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्री व्यास जी महाराज का पूजन करेंगे व्यासाय विश्वरूपाय व्यासरूपाय विश्वे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः व्यासपीठ की एक परिक्रमा कर लेंगे यानि कानि जवाबानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे जय जय श्री सीताराम बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय आप सभी को जय जय सियाराम। आज कथा के तृतीय सत्र में आइए बड़े भाव से हम लोग प्रवेश करें और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, देवता साक्षात आज इस प्रांगण में कथा सुनने के लिए उपस्थित हैं। ऐसी समस्त देव शक्तियों के साथ अंदर से आपको भी सबको वाइब्रेशंस महसूस हो रहे होंगे, मुझे भी अंदर से बहुत अद्भुत दिव्यता का एहसास हो रहा है। तो आइए संजीवनी वाटिका में भगवान की भक्ति की संजीवनी प्राप्त करने के लिए
आज का मंगलाचरण हम लोग प्रारंभ करें। सब लोग अपनी कमर सीधी कर लें, तीन बार ओम का उच्चारण करें और मेरे साथ मंगलाचरण गाएं। रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको आदितस्य नमस्कारा ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यम् तेजस्तेषां च जायते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं आरुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोली रज राम चंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब लोग प्रेम से मंगलाचरण का गायन करें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णं रघुबर बिमल यस जो दायक बल जार बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरो कलेश विकार मोसम दीनन दीन हित तुम समार रघुबीर अस विचार रघुवंश बणि हरो विषम भव भीर श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो से वृंदावन वास श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी
मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अचिर बिहारी प्रभु सुदशरथ अचिर बिहारी जय 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 हनुमान गोसाई 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 कृपा करो गुरुदेव के नाई कृपा करो गुरुदेव के नाई जही विधिनाथ हो यहित मोरा जही विधिनाथ हो यहित मोरा जही विधिनाथ हो यहित मोरा यही विधिनाथ हो यही तमोरा करहूँ सुवेग दास मैं तोरा करहूँ सुवेग दास मैं तोरा दीन दयाल विरत संभारी दीन दयाल विरत संभारी दीन दयाल विरत संभारी दीन दयाल विरत संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय सादर शिवहि नाई अब माता सादर शिवहि नाई अब माता वरनहु बिशद राम गुण गाथा वरनहु बिशद राम गुण गाथा जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गज बदन षडानंद माता जय गज बदन षडानंद माता जगत जननी दामिनी द्युति गाथा जगत जननी दामिनी द्युति गाथा राम कथा कली कावंद गाए राम कथा कली कामंद गाए सुजन सजीवनी मूरी सुहाई सुजन सजीवनी मूरी सुहाई मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेही जपत पुरारी उमा सहित जेही जपत पुरारी गुरु प्रीतो मातो महेश भवानी गुरु प्रीतो मातो महेश भवानी प्रणव दीन बंधु दिन दानी प्रणव दीन बंधु दिन दानी सादर शिवहि नाई अब माता सादर शिवहि नाई अब माता करनहु विशद
राम गुण गाथा वर्णम भी सद राम गुण गाथा सादर शिवही नाई अब माथा। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। सब संतन की जय। सब पितरन की जय। सब देवन की जय। गंगा मैया की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। माला को राम जी 3 घंटे पहनेंगे, हम तो 1 मिनट ही पहनते, तो और अच्छा है, डबल हो जाएगी। जय जय। अरे बहुत सुंदर विराजी विराजी। आप सभी को पुनश्च राम राम करते हुए कल हम लोग कथा के प्रसंग में भगवान शिव के विवाह में थे। सुभारती चैनल पर जो देख रहे थे वो थोड़ा सा अंत के प्रसंग से वंचित रहे, बाकी सबने आनंद लिया जो यहां थे। मैं फिर से आपको, आज चुकी 13 है शिव तेरस, तो मैं फिर से आपको एक बार मानसिक रूप से चाहता हूं कि आप कैलाश चलें साथ में। और कैलाश जो भगवान शिव का परम धाम है उसका दर्शन करें। कैलाश को परम रम्य कहा गया, परम रम्य। 3 भूमि ऐसी हैं पूरे भारतवर्ष में जिनको रामायण में परम सुंदर परम रम्य कहा गया। पहली भूमि कैलाश, पीछे कर दो उसको। परम रम्य गिरिवर कैलासु सदा जहां शिव उमा निवास। दूसरा जो परम रम्य कहा गया वो रामेश्वरम की स्थापना करते समय, क्योंकि जब आप रामेश्वरम जाएंगे तो रामेश्वरम अलग से एक टापू है दक्षिण में, जो ट्रेन जाती है वो ट्रेन समुद्र के अंदर होकर जो पुल बना है तो समुद्र चारों ओर से घेरे हुए है रामेश्वरम को। तो भगवान श्री राम ने वहां उस भूमि को देखकर कहा परम रम्य उत्तम यह धरनी। और तीसरा, जब भगवान को पंचवटी में रहने को अगस्त ऋषि ने कहा तब उन्होंने कहा हे प्रभु परम मनोहर ठाऊं पावन पंचवटी तेहि नाऊं। यानी तीनों भगवान शिव के प्रमुख स्थान है। पंचवटी भारत के बिल्कुल बीचों बीच में है, महाराष्ट्र। रामेश्वरम बिल्कुल दक्षिण भारत का कोना और कैलाश उत्तर भारत का कोना। तो पूरे भारत को उत्तर से दक्षिण तक ये 3 स्थानों को परम रम्य कहा गया। ऐसी मान्यता है हमारे देश में कि भगवान शिव कैलाश में जगते हैं और रामेश्वरम में रात्रि विश्राम करते हैं। तो रामेश्वरम में उनकी पालकी, उनका शयन कक्ष, उनका सब विश्राम, वो सब व्यवस्था रहती है।
धामों की भी ऐसी मान्यता है जैसे चार धाम हैं, तो बद्रीनाथ में भगवान का सवेरे का अभिषेक है, द्वारकाधीश में भगवान की सुबह का जो बाल भोग है वो 9-10 बजे का जो दर्शन है वो दिव्य श्रृंगार का दर्शन होता है, वहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। और दोपहर में भोजन के समय जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ का भाग जगत पसारे हाथ, भोजन जगन्नाथपुरी में करते हैं। तो ऐसे चारों धामों की अलग अलग मान्यताएं हैं। तो मैं आपको कैलाश लिए चलता हूं, आइए। परम रम्य गिरिवर कैलासु, परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहां शिव कुमार निवासु, सदा जहां शिव उमा निवासु, हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चल गयऊ, एहि विधि विपुल काल चल गयऊ, करही विविध विधि भोग बिलासा, करही विविध विधि भोग बिलासा, गणन समेत बसही कैलासा, गणन समेत बसही कैलासा। एक छोटा सा निवेदन है सभी से कि चौपाइयों को गाने की कोशिश करेंगे तो और अधिक आनंद आएगा। ये जो चौपाइयां हैं ये साक्षात मंत्र हैं, और इन चौपाइयों में वो शक्ति है जो माथे की रेखाओं को बदलने का ताकत रखती है। मेटत कठिन कुवंक भाल के, ये साक्षात मंत्र है, इसलिए जितना आप गा सकें, जितना समझ में आए उतना गाएं। भगवान शिव की शादी के पश्चात उनकी जो उनका जो धाम है, चूंकि उनकी ससुराल में ही है, पूरी हिमाचल प्रदेश, पूरा हिमाचल प्रदेश का मतलब ये मत समझिए आजकल का हिमाचल प्रदेश, आजकल तो छोटे छोटे राज्य बट गए, हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर, नेपाल, नेपाल भी अपने ही तो था, अपने नेताओं की लापरवाही से रह गया। जैसे उत्तर प्रदेश का पहाड़ उत्तराखंड है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पहाड़, वैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का पहाड़ नेपाल है, आगे बंगाल का पहाड़ दार्जिलिंग है, ऐसे लगातार हिमालय तो साथ साथ चलते हैं ना पूरे उत्तर में। तो पूरे हिमालय के राजा हैं पार्वती जी के पिताजी महाराज हिमाचल, उसी में उनका धाम है कैलाश। यानी हमारे जो दोनों बड़े भगवान हैं वो दोनों ससुराल में ही रहते हैं, उनकी ससुराल हिमाचल में, तो कैलाश उनका हिमाचल में, और पार्वती जी हिमाचल पुत्री हैं और लक्ष्मी जी सागर पुत्री हैं, तो भगवान विष्णु भी क्षीर सागर में ही रहते हैं, दोनों ससुराल में। ससुरार सुख की सार इसीलिए कहा गया, लेकिन हम लोगों के लिए नहीं है, हम लोगों के लिए 4-5 दिन 2-3 दिन, अब तो आजकल तो चाय पीने ही आते हैं खाली। भगवान शिव कैसे रह रहे हैं यहां, जितने भी ग्रस्त बैठे हैं, जितनी मातृशक्ति हैं, जितने भाई लोग हैं, एकदम सुंदर जीवन जीने का, क्योंकि भगवान शिव के नाम के साथ जुड़ा है सत्यम शिवम सुंदरम, तो आप सुंदर जीवन जीना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है, भगवान शिव सिखा रहे हैं। वो इतने सहज हैं कि जब वो बारात में जा रहे थे तो उनके भूतों ने जब उनका श्रृंगार किया तो आप देखेंगे कि उन्होंने किसी भी बाराती से, जबकि बड़े बड़े देवता उनकी बारात में थे, ना तो सोने का मुकुट मांगा, उस समय के फैशन के हिसाब से सोने का मुकुट चलता होगा, उन्होंने नहीं मांगा, बढ़िया रेशमी वस्त्र नहीं मांगे, अपने जेवर भी नहीं मांगे, वो जैसा भूतों ने सजाया वैसे गए। लोगों ने कहा भी कि महाराज आप दूल्हा बन के जा रहे हैं, ऐसा दूल्हा तो आज तक नहीं देखा, और महाराज आपसे शादी कौन लड़की करेगी, क्या पार्वती जी से आपसे शादी करेंगी? भगवान शिव ने कहा मुझसे करेंगी कि मेरे कपड़ों से करेंगी, मैं जैसा हूं वैसा हूं, मैं तो ऐसे ही रहने वाला हूं। वो बिल्कुल सहज हैं, अभी वो समाधि से उठे हैं तो जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में चले गए,
बाद में जब राजा साहब के यहाँ उनका श्रृंगार किया गया तो उन्होंने उसको भी मना नहीं किया, सोने के आभूषण पहनाए गए, हीरे के मुकुट पहनाए गए, बढ़िया कपड़े पहनाए गए, सुंदरेश्वर हो गए। अब उनके ससुर जानते हैं कि दामाद हमारे कुछ कमाते तो है नहीं, इसलिए उनके ससुर साहब ने सारे प्रकार के भोग विलास की जो सामग्रियां थी, यानी जिसको आप आजकल के मॉडर्न भाषा में लग्जरी लाइफ कह सकते हैं, 5-स्टार सुविधाएं कह सकते हैं, वो सब उनके लिए अरेंज की, तो उसका भी उन्होंने भोग किया। देखिए आप चौपाई लिखिए, करहीं विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहीं कैलासा। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब ये है कि हम अपने कर्म को करते चलें, साइकिल भी अगर अपने पास है तो वो भी भगवान की कृपा है, और मर्सिडीज भी आ रही है तो वो भी भगवान की कृपा है। हम अपना कर्म बिल्कुल सहजता के साथ कर रहे हैं और बिल्कुल हमें ना साइकिल में कोई संकोच है और ना मर्सिडीज में कोई संकोच है। इसलिए भारत के भक्त गाते हैं, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, सीता राम सीता राम सीता राम चाहिए, सीता राम सीता राम सीता राम कहिए। परम रम्य गिरिवर कैलासु, परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। एकदम सहज जीवन के साथ भगवान शिव बहुत आनंद के साथ ग्रस्त जीवन चल रहा है, बहुत लंबे समय तक नित्य नया विहार हुआ, और तब उनके घर बड़े पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम कार्तिकेय स्वामी हुआ। ये भारतवर्ष में 12 महीने में से एक महीना कार्तिक स्वामी के नाम पर है। दक्षिण भारत में कार्तिकेय की बहुत पूजा है, पूरे इंडोनेशिया पूरे मलेशिया में, मलेशिया आप कभी घूमने जाएंगे तो बाथू केव्स बहुत प्रसिद्ध गुफाएं हैं, ऐसी गुफाएं जीवन में देखने को नहीं मिलेंगी, कभी देखिएगा। 200 फीट ऊंची छत है उनकी, 100 फीट 200 फीट ऊंची, इतनी ऊंची गुफाएं, और उसमें भी बीच में आंगन भी खुला हुआ है, यानी कार्तिकेय जब अपनी बैठक करते होंगे तो हजारों लोग उसमें अंदर बैठ सकते हैं। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में कथा करते समय वहां देखने का सौभाग्य मिला। तो कार्तिकेय कौन है? तब जनमेऊ षडबदन कुमारा तारक असुर समर जेहि मारा। कार्तिकेय स्वामी ने तारकासुर को मार दिया। हमारे सब घरों में देवउठान मनाया जाता है, देवउत्थान एकादशी। देवउठान क्या है? देवउठान के दिन देवता उठकर खड़े हुए। काय के लिए खड़े हुए? युद्ध करने के लिए खड़े हुए। किसके नेतृत्व में? कार्तिकेय के नेतृत्व में। देवउठान वाले दिन कार्तिकेय का अभिषेक किया गया देवताओं के सेनापति के पद पर। 5 दिन युद्ध चला और पूर्णमासी वाले दिन कार्तिकेय स्वामी ने तारकासुर को मार दिया। तो जिस दिन उनकी विजय हुई उस दिन काशी में देव दीपावली मनाई जाती है। हमारे यहां दीपावली मनाई जाती है कार्तिक अमावस्या को, और काशी में दीपावली मनाई जाती है पूर्णमासी को, कार्तिक पूर्णिमा को, जिस दिन गंगा स्नान होता है। किसी भी होटल में कमरा नहीं मिलता, इस बार तो मैक्सिमम रेट वहां का 2 लाख रुपए तक गया था एक कमरे का। इतने लोग पूरे विश्व से वहां काशी की देव दीपावली देखने आते हैं। काशी के घाटों पर लाखों करोड़ों की संख्या में दीपक जलाए जाते हैं महादेव के बेटे ने। इसलिए भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा कि मैं सेनापतियों में स्कंद हूं। कल भी हमको स्कंद जी मिले थे, परमेश्वरी जी भाई साहब के जो पौत्र हैं, है? पौत्र हैं कि दोहित्र हैं, देवते, स्कंद नाम है। हाँ, जो स्कंद हैं वो देवताओं के सेनापति हैं। भगवान ने गीता में कहा सेनापतियों में मैं स्कंद हूं। अब तारकासुर तो मर गया,
यानी जो पिछला कोर्स पढ़ाने वाला था, जिसने बच्चों को राक्षस बनाने की शिक्षा नीति बनाई थी, जिसने बच्चों के मन को कुतर्क से भर दिया था, तो मर गया। लेकिन अब सुमति से कौन भरेगा? कुमति वाला तो मर गया, अब सुमति से कौन भरेगा? आप देवताओं का शासन ले भी आएंगे, लेकिन अगर शिक्षा पद्धति असुरों वाली रही तो फिर नई पीढ़ी तो असुरों जैसी होगी, तो देवताओं का शासन कितने दिन टिकेगा? इसलिए पहला बदलाव आवश्यक है, शिक्षा नीति। इसलिए अब ये जो नई शिक्षा नीति आ रही है, हालांकि बहुत दिन लग गए आने में, 7 साल हो गए सन 14 से 21 तक, ये तो बहुत जल्दी आने का काम है। क्योंकि बच्चा जैसा कोर्स पढ़ेगा, जो चीजें पढ़ेगा, वो उसके संस्कार में आ जाएंगे। तो तुरंत भगवान शिव, क्योंकि तीनों लोकों के गुरु हैं, तो तीनों लोकों में जो कुमति का विस्तार करने वाला था वो मारा गया, इसलिए सुमति को बढ़ाने के लिए भगवान शिव स्वयं बैठ गए और कैलाश पर एक वट वृक्ष के नीचे एक शिला पर उन्होंने आसन बिछाया। देखिए, मैं आपको ये निवेदन कर दूं कि आज शिव तेरस का दिन है, और ये समझ लीजिए कि भगवान शिव के आपने बहुत सारे फोटो देखे हो, लेकिन कथावाचक के रूप में उनका फोटो कभी नहीं देखा होगा। भगवान शिव कथा करते समय कैसे दिखाई पड़ते हैं, ये आपने आज तक फोटो नहीं देखा होगा। आज आप उनका वो चित्र देखिए। ये चित्र दक्षिण भारत के मंदिरों में जाएंगे तो दिखाई पड़ेगा, क्योंकि दक्षिण भारत में दक्षिणामूर्ति भगवान का पूजा होती है। दक्षिणामूर्ति माने भगवान शिव जिस समय सप्तऋषियों को प्रवचन कर रहे होते हैं बैठे हुए, तो वो जो उनकी मूर्ति होती है वो गुरु रूप में होती है। उसमें वो एक शिला पर बैठे होते हैं, बायां पैर नीचे लटका हुआ, दायां पैर बाएं पैर पर रखा हुआ, इस तरह से वो प्रवचन करते हैं। अब हम लोगों की जो व्यासपीठ है, इस पर हमारे सामने ग्रंथ रखा हुआ है रामचरितमानस का। जय हो, भगवान शिव व्यासपीठ पर बैठने वाले हैं और आशुतोष जी आ गए हैं, तो बहुत अच्छा है। मैं सोच रहा था आगे के गद्दे कुछ शोभायमान हो, तो अब शोभायमान हो गया आसन। प्रेम से सब लोग बैठिए। थोड़ा सा मेरे साथ इस चौपाई को गाइए और भगवान शिव के कथावाचक रूप का ध्यान करिए। निज कर दासी नागरी पुछाला, निज कर दासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, कुंद इंदु दर गौर शरीरा, कुंद इंदु दरी गौर शरीरा, उज प्रलंब परी धन मुनि चीरा, उज प्रलंब परी धन मुनि चीरा, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। भगवान शिव को आपने कभी किसी फोटो में सोने के सिंहासन पर बैठे देखा है? नहीं। उनका जो सहज आसन है, वो जिसमें सहजता नेचुरली फील करते हैं, वो जो उनका आसन है, वो ज्ञान देने वाला आसन है। अपनी शिला पर अपने हाथ से अपना आसन बिछाया। अब हम लोग तो देखिए आते हैं तो पहले से आसन भी बिछा हुआ, मंच भी बना हुआ, सब चकाचक, लेकिन जिन्होंने शुरुआत की उन्होंने तो कंटक पथ अपनाया। जिस भी अच्छे काम की शुरुआत जो व्यक्ति करता है वो तो कांटों के पथ पर ही चलता है, अनुयायियों के लिए फूल होते हैं। तो भगवान शिव अपने हाथ से अपना आसन बिछाकर बैठे, निज कर दास नागरी पुछाला, एकदम गोरा शरीर, लंबी भुजाएं, और कपड़े कौन से पहने? चीर। हमारे यहां जो बिना सिले कपड़े हैं ना, वो बहुत पवित्र माने जाते हैं। इसलिए आप देखिए, किसी साधु को जब आप कपड़ा दान करते हैं तो 2 मीटर नीचे बांधने का, 2 मीटर ऊपर उड़ने का, 4 मीटर दान करते हैं। तो उन्होंने नीचे बांध लिया, एक ऊपर उड़ लिया, चीरा, एकदम जैसे शांतरस बैठ गया। बैठे सो हो काम रिपु कैसे, धरी शरीर शांतरस जैसे,
पार्वती जी ने देख लिया। आज शादी के बाद पार्वती जी ने पहली बार अपने स्वामी जी को इस रूप में देखा, तो समझ गई कि आज ज्ञान यज्ञ करने के मूड में है। जाकर प्रणाम किया, भगवान शिव ने बहुत प्रसन्नता से आसन दिया कि चलिए कोई आया तो सही जिसको मैं सुना सकूं। तो पार्वती जी ने जब आसन ग्रहण किया तो उसके बाद भोलेनाथ की उन्होंने स्तुति की। देखिए जैसे व्यासपीठ पर कोई आके बैठे, कोई भी वक्ता, तो आपने यजमान जी ने क्या किया, पुष्प चढ़ाए, पूजन किया, माला पहनाई, तो जब आप सम्मान करते हैं तो उसका उत्साह बढ़ता है। जैसे क्लास में टीचर आता है, सब बच्चे खड़े हो जाते हैं तो टीचर को लगता है कि ठीक है, सबने रिसीव किया उसको। तो पार्वती जी ने अपने वचनों से भगवान शिव का व्यास पूजन किया, बहुत सुंदर चौपाई बोली, और ये चौपाई आप मेरे साथ दोहराएंगे, और किसी भी शिव मंदिर में जब आप कभी जाएंगे अगर ये चौपाई बोलेंगे तो भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होंगे। आज तो दोनों का दिन है, भगवान शिव पार्वती का तेरस जो है वो दोनों का दिन होता है, क्योंकि तेरस ही तो उनकी मैरिज एनिवर्सरी है। शिव तेरस को ही तो हम उनके विवाह की वर्षगांठ मनाते हैं, तो आज भी तेरस है, तो जरा सब लोग गाइए। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, तुम त्रिभुवन गुरु वेद पठाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद पठाना, आन जीव पावर का जाना, आन जीव पावर का जाना, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। दो शब्द बोले, एक विश्वनाथ, दूसरा ममनाथ, और दोनों एक साथ बोले, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी। आप किसी व्याकरण के आचार्य से पूछिए, दो बार एक लाइन में, आधी लाइन में दो शब्द एक साथ प्रयोग करने ठीक है क्या? दो बार नाथ शब्द का प्रयोग किया, जानबूझकर किया। विश्वनाथ माने आप पूरे विश्व के नाथ हैं, मालिक हैं, मैं जानती हूं, लेकिन मेरे भी तो हैं कि नहीं? जैसे आप बोलते हैं शुरू में ओम जय जगदीश हरे, आरती गाते हैं तो बोलते ना, लेकिन अगले क्षण क्या बोलते हैं, मात पिता तुम मेरे, शरण गहो किसकी। यानी पहला जो संबोधन है वो आस्तिकता है, दूसरे संबोधन में भक्ति है, आपने अपना निजी संबंध जोड़ लिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिनको भक्ति अपने जीवन में लानी हो वो परमात्मा से कोई ना कोई पर्सनल संबंध जोड़े, वो रेडी हैं आपसे हर प्रकार का संबंध जोड़ने के लिए। उन्होंने भगवत गीता में स्वयं बोला है, इट इज द ग्लोरी ऑफ गॉड, ये कोई आचार्य नहीं बोल रहा, ये स्वयं भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्य हम। आप मुझे जिस भाव से जुड़ना चाहोगे मैं आपको उसी भावना को पुष्ट कर दूंगा। इसलिए आप जो भावना से जुड़ना चाहें, आप भगवान को अपनी मां बनाना चाहें तो मां बन गए, दुर्गा मां बन गई कि नहीं, हुई इस दुर्गा मां। सारे भगवानों की जो शक्ति है उनका सामूहिक रूप माता दुर्गा है, क्योंकि एक हाथ में उनके त्रिशूल भी है, एक हाथ में उनके धनुष भी है, एक हाथ में खड़ग भी है, यानी सारे हमारे देवताओं के जो जो शस्त्र हैं, आप दुर्गा सप्तशती में पढ़िए, भगवान मां बनने को भी तैयार हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी की मां ही तो बने सबसे पहले। अच्छा आपने देखा है ब्रह्मा जी का जन्म कहां से हुआ, भगवान विष्णु की नाभि में से कमल निकला और कमल पर ब्रह्मा जी। हम कहां से प्रकट होते हैं, अपनी मां की जो गर्भनाल है वो हमारी नाल से जुड़ी होती है कि नहीं? जिस जगह से हमारा ज्यादा लगा होता है मान लो कहते तेरो नाल गड़ो है कहा, पहले बच्चे की जो नाल थी वो वहीं घर में दबा दी जाती थी, हमारी नाल भी हमारे घर में दबी है। तो हर बच्चा जो जन्म लेता है अपनी मां के गर्भ से, जब तक दाई यानी नर्स
उसकी गर्भनाल को अलग नहीं करती बच्चे की नाभि से, तब तक घर में सूतक प्रारंभ नहीं होता। और वो समय बड़ा पवित्र समय माना जाता है, इसको प्रजा तीर्थम बोलते हैं। उस कर्म को 16 संस्कारों में से एक संस्कार है जात कर्म संस्कार। तो ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए, इसका मतलब क्या है? भगवान के गर्भ से ही तो प्रकट हुए, इसलिए भगवान का एक नाम है हिरण्यगर्भाय, हिरण्यनाभाय। इसलिए भगवान की जब स्तुति ब्रह्मा जी ने की तो कहा त्वमेव माता। फिर ब्रह्मा जी को समझ में आ गया कि केवल जन्म देने वाले नहीं है, पालन करने वाले भी यही है, मालिक साहब यही हैं। तो कहा पिता त्वमेव। फिर भगवान ने उनसे हाथ मिलाया और कहा चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। तो त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। फिर भगवान ने चार श्लोकों में उनको सारा ज्ञान प्रदान कर दिया, तो त्वमेव विद्या। फिर ऐश्वर्य दिया, इस सृष्टि को बनाने का ऐश्वर्य, सारा सामान मटेरियल, सारे तत्व एलिमेंट्स जिनको आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री में फिजिक्स में। तो त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव और त्वमेव सर्वम मम देव देव। आज मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, मंदिर में बहुत दिव्य प्रतिमाएं आप देखेंगे तो मोहित हो जाएंगे। परमात्मा से कोई ना कोई अपना निजी संबंध जोड़िए। द्रवणम माने आपके वो पार्टनर बनने को भी तैयार है, आपसे पैसे का संबंध जोड़ने को भी तैयार है। हमारे हर घर में किसी भी मां से पूछ लो, घर में कोई बात हो जाए 125 रुपया उठा के रख देंगी, 11 रुपया उठा के रख देंगी, 101 उठा के रख देंगी, प्रसाद बोल देंगी। बच्चा बीमार भी हो जाए 101 का प्रसाद बोल दिया, ठीक हो जाएगा तो प्रसाद चढ़ाऊंगी। ये क्या है? द्रवणम त्वमेव। बहुत सारे लोग तिरुपति बालाजी को, सांवरिया शाह को, बहुत सारे मंदिरों में जो भगवान हैं उनको अपने बिजनेस में पत्ती डाल लेते हैं, 1%, 2%, 4%, ईमानदारी से उतना चढ़ाते हैं। इसलिए तिरुपति बालाजी में साल में सर्वाधिक पैसा चढ़ता है। उन्हें पता है जब भगवान पार्टनर बन जाएंगे तो बिजनेस की चिंता वो करेंगे, हम क्या करेंगे उसमें। तो भगवान आपके पार्टनर बनने को भी तैयार हैं, आपके पिता बनने को भी तैयार हैं, आपका बेटा बनने को भी तैयार है, आपके नौकर बनने को भी तैयार है, मालिक बनने को भी तैयार है, आप जो संबंध जोड़ना चाहें। कितना सुंदर भाव है। चलिए अभी शुरुआत है और बड़ा एक गंभीर सा भजन हम लोग गाएंगे, क्योंकि आज प्रतिष्ठा हुई है। और वो भजन मैं इसलिए गा रहा हूं कि आप सब लोग इस पूरे 3 दिन के आयोजन में कुछ ग्रहण किए हो या ना, लेकिन इस बात को ग्रहण कर लीजिए कि परमात्मा से कोई ना कोई संबंध अपना जोड़िए। असली संबंध तो उसी से है। ये सारे संबंध जितने भी यहां दिखाई पड़ रहे हैं ये कब तक चलेंगे? धन धरा के बीच सारा ही धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब मौत का दिन आएगा, वाहन खड़े रह जाएंगे जब मौत का दिन आएगा, नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में, नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में, मित्र गण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएगा, मित्र गण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएगा, मित्र कोरोना में तो मरघट में भी नहीं जाएगा, मित्र कोरोना में तो कोई नहीं जाएगा जाएगा, देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, अंत में हरि नाम ही सच्चा सखा रह जाएगा, अंत में हरि नाम ही सच्चा सखा रह जाएगा, अंत में हरि भजन ही सच्चा सखा रह जाएगा, अंत में हरि भजन ही
सच्चा सखा रह जाएगा। भजन माने ये जो हम गाते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम, भजन माने क्या होता है? भजन माने केवल जपना नहीं है, भजन माने केवल मुंह से नाम लेना नहीं है, उसमें तीन चीज आती हैं। एक बार मेरे साथ सब दोहराएंगे, बोले श्रोतव्यम कीर्तितव्यम स्मृतव्यम, यानी सुनना गाना और अंदर उन्हीं का ध्यान करना सुमिरन करना लीलाओं का, उसको कहते हैं भजन। कई लोग कहते हैं माला जपने में मन नहीं लगता, मन ऐसे नहीं लगेगा, मन तब लगेगा जिसकी माला जप रहे हो उनकी लीलाओं का भी ध्यान करो। जैसे आप मोबाइल का चार्जर लगाते हैं आपका मोबाइल चार्ज होना शुरू होता है, ये मंत्र क्या होता है? आपकी आत्मा को चार्ज करने वाला चार्जर ही तो है। तो जब आप जपना शुरू करो माला हाथ में लो तो समझ लीजिए आपका चार्जर जुड़ गया सॉकेट में, और जैसे आप पिन लगाते हो तो मोबाइल में चार्जिंग का सिग्नल शुरू हो जाता है। ऐसे ही जैसे ही आपने माला हाथ में पकड़ी आप प्रार्थना करो, हे प्रभु मैं आपका नाम जप रहा हूं, आप ही की आत्मा हूं, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि तेज दो। और उसके बाद जब उनका नाम जपो आप, जो भी मंत्र आप जपते हो उसमें उनकी लीलाओं का ध्यान करिए, करिए जरा शबरी की लीला का, केवट की लीला का, करिए जरा भगवान कृष्ण की गोवर्धन लीला का, बहुत सारी लीलाएं, आप किसी भी एक लीला का ध्यान करिए। आप कह रहे हैं मन नहीं लगता, मैं कह रहा हूं आपकी एक माला कब पूरी हो जाएगी आपको पता नहीं लगेगा, और मन करेगा कि दो तीन माला और जपो। इसी को गोस्वामी जी ने कहा इस कलयुग में और कुछ नहीं चलेगा, एक ही साधन, राम ही सुमेरी गाइए राम ही संतत भजिए राम गुण ग्राम ही, यही कले काल ना साधन दूजा योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरी गाइए राम ही संतत भजिए राम गुण ग्राम ही। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक जो सुखदेव जी ने परीक्षित जी को बोला, ये उसका हिंदी अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कर दिया। श्रोतव्यम कीर्तितव्यम स्मृतव्यम, इसलिए उनसे अपना निजी संबंध जोड़ना जो आपको अच्छा लगता, बिकॉज इमोशंस आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द रिलेशंस। पराए व्यक्ति से भावनाएं नहीं होती, भावनाएं सदैव अपने के साथ होती हैं। जब आपका अपना संबंध जुड़ेगा तो आपके अंदर भावना, और जैसी भावना आप में होगी वैसी भावना भगवान में होगी। जाकी रही भावना जैसी तो प्रभु मूरत देखी तैसी। देखिए ध्रुव ने भगवान को अपना पिता माना तो गोदी में बिठाया कि नहीं, आज भी बैठा है कि नहीं उत्तर दिशा। आप जितने लोग हैं, जिस दिन आपका जन्मदिन हो, जिस दिन आपका जन्मदिन हो, आपके बच्चे का जन्मदिन हो, उत्तर दिशा में ध्रुव तारे को एक बार अपने बच्चे से प्रणाम करा दीजिए। मैं व्यासपीठ से गारंटी देता हूं कि एक वर्ष तक जो बच्चा अपने जन्मदिन पर ध्रुव जी को प्रणाम करेगा अगले एक वर्ष तक उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती किसी भी कीमत पर, चाहे कैसी भी दुर्घटना क्यों ना हो उस बच्चे को कुछ नहीं होगा। वो ध्रुव भगवान की गोदी में बैठा है, वो प्रहलाद उसने भगवान को अपना पिता माना, भगवान उसके लिए पत्थर का खंभा फाड़ के प्रकट हुए। होली का त्योहार हम प्रहलाद की याद में तो मना रहे, होली का त्योहार किसकी याद में? आजकल होली मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? दो चीज बोलते हैं लोग, या तो होली मुबारक या तो हैप्पी होली। तो मुबारक शब्द तो ईद मुबारक से आया और हैप्पी होली अंग्रेजों से आया, आपका क्या है? अरे होली के दिन कम से कम प्रहलाद जी के नाम का स्मरण करिए तो आपके बच्चे को ये तो पता लगेगा कि होली किसकी याद में मना रहे हैं। मैंने तो बहुत बच्चों से पूछा भाई होली किसकी याद में मनाते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं था। तो होली वाले दिन जब आप होली का पूजन करने जाएं तो वहां एक जयकारा लगा दीजिए, प्रहलाद जी की जय हो, भक्त शिरोमणि प्रहलाद की जय हो। और जब होली मिलिए तो कहिए प्रहलाद जी की राम राम। कितना प्यारा बच्चा था वो,
कितना भरोसा था उसका, कोई अग्नि जलती अग्नि में कोई प्रवेश करने का सोच सकता है? उसके पिता ने जब चैलेंज किया कि मैं भगवान हूं, उसने कहा नहीं आप भगवान नहीं, भगवान विष्णु है, विष्णु माने जो हर परमाणु में। उसके पिता ने कहा परीक्षा होगी। उसकी बुआ ने उसके पिताजी को कहा भैया ऐसे मारोगे तो बदनामी होगी, ऐसे मारोगे आप भी भगवान घोषित हो जाओ, लोग आपको भगवान मान ले, चूंकि दुनिया तो चमत्कार को नमस्कार करती है। आप कहोगे मेरी बहन मेरा नाम जपेगी, प्रहलाद अपने भगवान का नाम जपेगा, जो सच्चा होगा वो बचेगा, जो झूठा होगा वो जलेगा। लाइव टेलीकास्ट कराया गया उस घटना का, स्टेडियम खचाखच, प्रहलाद अपनी बुआ की गोदी में बैठा, जैसे ही आग लगाई गई हिरण्यकश्यप से देख रहा था कौन जल रहा है, अंदर से प्रहलाद की आवाज आई दूर क्यों खड़े हो पिताजी पास आ जाओ, पश्चतात्मम गात्र सन्निधौ, मुझको निकट आके निहारो। उसने कहा गर्मी नहीं लग रही तुझे? बोले राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप सम्यक भेषजम, राम नाम जपने वाले को भय कैसा, सब प्रकार की गर्मी से तो राम बचाते हैं, अग्नि भी तो उन्हीं से बनी है, अग्नि में भी तो वही है। और फिर तो मौका ही नहीं था, आग धधक चुकी थी, थोड़ी देर में होलिका जलकर राख हो गई, और जब आग शांत हुई तो हंसता हुआ प्रहलाद बाहर निकला। उसके हजारों दोस्त यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले राक्षसों के बच्चे जो भगवान के भक्त हो चुके थे उन्होंने जयकारा लगाया। एक बार आप भी लगा दीजिए, भक्त श्रोमणी प्रहलाद की जय। इसीलिए आप होली मनाते हैं। और अगर आप में से किसी को ये, चूंकि मेरी ये कथा प्रसारण भी हो रही है पूरे देश में, मैं यहां से चैलेंज कर रहा हूं, अगर किसी को इसमें शंका हो, कोई भी साइंटिस्ट वो आके अपनी आंखों से देख ले, मथुरा में प्रहलाद कुंड है, प्रहलाद जी का मंदिर है, वहां हर साल होली जलती है। 40 दिन पहले से वहां पंडा जी के परिवार का एक व्यक्ति जिसको चुना जाता है वो उपवास करते हैं पूरे एक महीने का, और जिस दिन होली में आग लगती है उस दिन वो एक दीपक जला के बैठते हैं, दीपक पर अपना हाथ लगा के देखते हैं बार बार, जिस समय दीपक की अग्नि उनके हाथ को जलाना बंद कर देती है, यानी अग्नि शीतल हो जाती है, लौ जल रही होती है लेकिन हाथ नहीं जलता उस पर, तो अग्नि का सिग्नल मिल जाता है। 100,000 लोग होते हैं वह उस मेले में, DMSSP उस रात सब वहीं होते हैं। तब उस होली में आग लगाई जाती है, और जब वो अग्नि का संकेत मिल जाता है तब आग लगाई जाती है, अग्नि धधकती है जितनी देर में, उतनी देर में वो पंडा जी सामने सरोवर में प्रहलाद कुंड में एक डुबकी लगाते हैं, और उसके बाद उस होली की चिता पर से गुजरते हैं। 19 कदम, बड़ी चिता होती है, 19 कदम उसके ऊपर से चढ़ के धधकती हुई लपटों के बीच में से और पार करते हैं, और उनके शरीर का एक बाल नहीं जलता, एक बाल नहीं जलता। हर साल ये क्रिया होती है, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, अभी भी होती है, इस घोर कलयुग में भी होती है। ये होली दुनिया का सबसे प्राचीन त्योहार है, सतयुग से चला आ रहा है, इसलिए उसे कहते हैं धुलेंडी, दूसरे दिन जो रंग लगाया जाता है, धूल, धूल का त्योहार, धूली वंदन। वो होली की जो राख होती है वही तो लगाई थी सबने एक दूसरे के माथे पर, अब उसमें रंग वंग तो बाद में मिला दिए गए, लेकिन जब हिरण्यकश्यप की नाक कटी तो उसे बड़ा क्रोध आया, और उसने कहा प्रहलाद तुझे बचाने वाला भगवान दिखाई तो पड़ नहीं रहा भाई, कहां है तेरा भगवान? बोले वो सामने नहीं आते, उन्हें फोटो खिंचवाने का शौक नहीं है, वो तो कण कण में विद्यमान है, बिनु पद चले ही सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, वो कण कण में, इसलिए उनका नाम विष्णु है। तो उसने कहा अच्छा, बड़ा चालाक था हिरण्यकश्यप, ऐसा ये खंभा खड़ा था वहां, उसने कहा इस पत्थर के खंभे में भी है, इसमें भी है, मारा एक जोर से घूंसा। अब आप पत्थर में घूंसा मारेंगे तो आवाज थोड़ी होगी, किन्हीं का मन कर रहा हो तो यहां पत्थर में मार के देख ले, कोई आवाज नहीं होगी, लेकिन वो पत्थर का खंभा ऐसे फटा कड़कड़ाता हुआ जैसे हजारों बम फटे, कड़कड़ाता हुआ पत्थर का खंभा फटा, और नरसिंह भगवान प्रकट हुए, और नरसिंह भगवान की, और उसके बाद जो उन्होंने ऑपरेशन किया, क्या मारा है वैसे,
फाड़ के उसकी आंतों की माला पहन ली, क्योंकि डर के मारे किसी ने उन्हें माला भी नहीं पहनाई। रूप ही इतना भयंकर था, दहाड़ रहे थे, बहुत देवता स्तुति कर रहे थे, किसी से शांत नहीं हो रहे थे। तब प्रहलाद ने एक श्लोक बोला, भगवान शांत हो गए। एक बार सब लोग बोल ले मेरे साथ, नमस्ते भगवतो तुभ्यम पुरुषाय महात्मने हरे अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। नमस्ते भगवतो तुभ्यम। भगवान प्रसन्न हो गए, बालक को उठा के गोदी में बिठा लिया और जानते हैं आप, उसको जीभ से चाटा। लोगों ने कहा आप राक्षस के बच्चे को जीभ से चाट रहे हैं? भगवान ने कहा नहीं, मेरा बेटा है, ये मुझे पिता मानता है। और कोई गाय अपने बछड़े को प्रेम करती है तो जीभ से चाटती है। मैं चूंकि पशु का मुख लाया हूं, मैं मनुष्य का मुख लेकर नहीं आया, इसलिए मैं अपने बच्चे को प्रेम कर रहा। रो रहे थे प्रभु, आंखों से उनकी आंसू बह रहे थे। मेरे बच्चे तुझे बहुत कष्ट सहने पड़े, मुझे क्षमा करना, मुझे आने में बहुत देर हो गई। और उसको गोदी में लेकर हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर बैठ गए। लोगों ने कहा सर आपको भी पीएम की कुर्सी अच्छी लगती है? भगवान ने कहा नहीं, जानबूझकर बैठा हूं, क्योंकि अब तक इस पर जो बैठा था राक्षस उसने बहुत पाप किए, उसने अपने पापों से सिंहासन को अपवित्र कर दिया, इसलिए मैं अपवित्र सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। अब मैं स्वयं बैठकर इस सिंहासन को पवित्र कर दिया हूं, अब पवित्र सिंहासन पर अपने बेटे का राज तिलक करूंगा। ये क्यों हुआ? ये संबंध जोड़ने से हुआ। ये मूर्ति की कार्यक्रम को बोला गया प्राण प्रतिष्ठा, क्योंकि जैसे ही आप उनसे संबंध जोड़ेंगे आपके प्राण उनमें प्रतिष्ठित हो जाएंगे। लोग कहते हैं हिंदू पागल होते हैं, हिंदू मूर्ति पूजा कर, अरे हिंदू पागल नहीं है, केवल सनातन धर्म जानता है कि दुनिया के हर कण में परमात्मा है, केवल सनातन धर्म। बाकी धर्मों की मान्यता है कि खुदा सातवें आसमान पर है, नीचे हम जो चाहें वो करें। बाकी धर्मों की मान्यता है कि हम पाप की संतान हैं, हम पाप की संतान नहीं है। सनातन धर्म कहता है वयम अमृतस्य पुत्रः, हम अमृत की संतान हैं, हम परमात्मा के अंश हैं, शिवोहम ब्रह्मास्मि। दोनों के दर्शन में अंतर है। वो मानते हैं सात आसमान के ऊपर भगवान है, नीचे आप जो चाहें, नीचे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जो ताकतवर होगा जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी। यहां ऐसा नहीं है, यहां तो सीए राम में सब जग जाने, ईशावास्यमिदं सर्वम। अब तो साइंस ने भी सिद्ध कर दिया, अब तो गॉड पार्टिकल पर नोबेल प्राइज मिल गया। इसलिए हिंदू पागल नहीं है, वो पत्थर की मूर्ति बनाते हैं, क्योंकि पत्थर दुनिया का सबसे जड़ पदार्थ है, लेकिन जो जड़ में भी चेतन को प्रकट कर सकता है वो भक्ति का प्रताप है, वो प्रेम है। जब आपके प्राण भगवान से जुड़ जाएंगे, जब आपका संबंध जुड़ जाएगा, आपकी भावना जुड़ जाएगी, तो वो जड़ भी चेतन हो जाएगा। इसलिए भगवान से अपना संबंध जोड़िए। और एक भजन जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है, वो भजन जरा मेरे साथ दोहराइए। भजन थोड़ा धीमा है, हो सकता है आपको नींद आ जाए, लेकिन अगर आप गाएंगे तो आपको आनंद बहुत आएगा। तू दयालु दीन हो, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो विकारी, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो विकारी, हो प्रसिद्ध पात की, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी, तू दयाल दीन हो, तू दयाल दीन हो।
देखिए इसमें कहा गया हे भगवान तू दयाल है और हम दीन हैं। हे भगवान को जो दीनदयाल शब्द है ना बड़ा प्रिय है, क्योंकि श्री भरत जी भगवान को दीनदयाल दीन बंधु दीनानाथ बोलते थे। इसलिए जब कोई भगवान को दीन बंधु दीनानाथ दीनदयाल बोलता है तो उन्हें श्री भरत जी की याद आ जाती। जानकी जी इस बात को जानती थी, इसलिए उन्होंने भगवान को जो संदेश भिजवाया हनुमान जी के हाथ अशोक वाटिका से, उसमें करुणा निधान नहीं कहा, उसमें कहा दीनदयाल, दीनदयाल विरत संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। क्योंकि उन्हें पता था जैसे ही मैं दीनदयाल बोलूंगी जो मेरा संदेश जाएगा, भगवान की भुजाएं फड़कने लगी। भगवान दयाल हैं, हम दीन हैं, दोनों मिलेंगे तो दीनदयाल बनेंगे। इसलिए जरा अपने मुख से एक एक शब्द इसका, नाथ तू अनाथ कौन, अनाथ कौन मोसो, नाथ तू अनाथ कौन, अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं, मो समान आरत नहीं, आरत हरन तो सो, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, ओ प्रसिद्ध पाप की तू पाप पुंज आए, तू दयाल दीन हो, तू दयाल दीन हो। ये पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी भावना से लिखी होगी, नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोस। अगर आपने रामायण कभी पढ़ी हो तो शुरू के दो पन्नों में गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी छापी जाती है उसमें। उनके जन्म लेते ही उनकी मां के प्राण छूट गए। आप जानते हैं 12 महीने मां के पेट में रहे थे वो। अब तो एक दिन में घबरा जाते हैं लोग, डॉक्टर घबड़ावा देते हैं कि जल्दी करो नहीं तो ऑपरेशन, नहीं करो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी 12 महीने मां के गर्भ में रहे, जब जन्म लिया तो मुंह में 32 दांत थे, मुंह से नाम निकला राम, इसलिए उनको सब लोग रामबोला बाबा, रामबोला बाबा कहते थे। उनका नाम था रामबोला। उनके पिताजी ज्योतिष के बड़े जानकार थे, उन्होंने जन्म पत्री तुरंत बनाई जन्म लेते ही और कहा अरे इस लड़के को फेंक दो, इसकी कुंडली में लिखा है कि अगर ये जीवित रहेगा तो इसके मां बाप मर जाएंगे। और दासी को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी, जंगल में फेंक के आए इसको। अब दासी आई तो मां ने हाथ पकड़ लिया, दासी का नाम था चुनिया। मां ने कहा चुनिया मेरे बच्चे को मारना नहीं, बहुत बड़ा महापुरुष बनेगा, इसका जन्म लेते ही इसके मुंह से राम निकला, मारना नहीं इसको। और अपने सारे जेवर उतार कर माने एक गठरी बांध के दासी को दे दिए, ये तेरे, मेरे बच्चे को बचाना। चुनिया ने वचन दिया, वो अपनी रिश्तेदारी में छोड़ाई, पंडित जी कह दिया वो मर गया। चूंकि जन्म पत्री की बात गलत नहीं हो सकती, पिताजी बहुत बड़े ज्योतिष के विद्वान थे, तो मां मर गई थोड़े दिन में पिताजी भी मर गए, तो जो रिश्तेदार चुनिया का पाल रहा था अगले साल वो भी मर गया। तो चुनिया अपने घर ले आई, 2 साल बाद वो भी मर गई। 3 साल का बच्चा, 2-2.5 साल का, अपने पिताजी के खंडहर जैसे घर में रहता है, पूरे गांव में रोटी मांगता है, लेकिन उसे कोई रोटी का टुकड़ा इसलिए नहीं देता कि जो इसको पालेगा वो कहीं मर ना जाए। तो भूखा प्यासा बालक रात को सो जाता है रोते रोते।
तो रात में माता पार्वती माता अन्नपूर्णा स्वयं आकर उस बच्चे को खिलाती है। गोस्वामी जी ने लिखा कि घर घर मांगत टूक तब, तब मैंने घर घर रोटी के टुकड़े मांगे, मुझे किसी ने रोटी का टुकड़ा नहीं दिया। और अब भूपति पूजत पाए, बड़े बड़े राजा मेरे चरण पूजते हैं। क्यों? क्योंकि ते तुलसी तब राम बिनु, अब भाई राम सहाय। चार पांच साल तक ऐसे गुजरे, तब एक बड़े संत वहां से निकले, नरहरिदास जी महाराज। लोगों ने कहा कि ये बहुत बड़े ज्योतिषी पंडित जी का बेटा भिखारी हो गया है, माँ बाप मर गए हैं। वो संत अपने साथ ले गए। आप कभी गोंडा जिले में जाएं तो वहां गोमत उनका सरयू मैया का और घाघरा जी का संगम है। उस स्थान को जहां सरयू जी और घाघरा जी का संगम है, वहां उनकी नरहरिदास जी महाराज का पुराना आश्रम है। मैं इस बार दर्शन करके आया था। तो वहीं गोस्वामी जी ने उसको शूकर क्षेत्र बोलते हैं, जैसे सोरों को शूकर क्षेत्र बोलते हैं, वैसे बारह क्षेत्र उसको भी बोलते हैं। बारह बन अंकित, बारह पद अंकित से वो जिला बना बारह बंकी, भगवान बारह का क्षेत्र वो भी माना जाता है। तो वहां उन्होंने अपने गुरु से रामकथा सीखी और फिर तो पूरी दुनिया में पूज्य हो गए। तब उन्होंने ये कहा कि मुझसे ज्यादा दुखी दुनिया में कौन होगा, आरत हरन तोसो, मुझ समान आरत नहीं, नाथ तू अनाथ को। इसलिए बहुत प्यारी पंक्तियां हैं भाई साहब, नाथ तू अनाथ कौन, अनाथ कौन मोसो, नाथ तू अनाथ कौन, अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं, मो समान आरत नहीं, आरत हरण तो सो, तू दयाल देन हो, तू दानी हो विखारे, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी, तू दयाल देन हो, तू दयाल देन हो। तू सब विधि मेरो, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारे, तू दयाल दीन हो, thank you।
आपसे संबंध जोड़ने की बात कर रहा था, गोस्वामी जी ने कहा मेरे तो सारे संबंध आप ही से, जगत से नहीं है, सब मानिए राम के नाते। इसलिए उनका मात पिता स्वामी सखा गुरु सखा तू सब विधि मेरो। भगवान ने कहा कोई एक नाता बताओ गोस्वामी जी, कोई एक नाता बताओ। गोस्वामी जी ने कहा जो आपको प्रिय हो, मेरा लक्ष्य आपसे संबंध जोड़ना, उसके पीछे जो मेरा एजेंडा है वो आपकी शरणागति में आना, आप मुझे अपनी शरण में स्वीकार कर लें स्वामी, ये तो मेरा लक्ष्य है, उसके लिए जो आपको संबंध अच्छा लगता हो। तो अब ये जो भजन आप गा रहे हैं किन के लिए गा रहे हैं? ये तुलसीदास जी के लिए नहीं गाना आपको, उन्हें हमारी सिफारिश की जरूरत नहीं है, उनमें तो खुद ही इतना दम है कि उनका संबंध तो जुड़ गया भगवान के चरणों से, वो तो हो गए शरणागत, अभी हमारा नहीं जुड़ा। तो ये भजन हमको अपने लिए गाना है, ये हमारी अपनी एप्लीकेशन है अपनी वाणी के द्वारा, इसलिए इस अंतिम पंक्ति को कृपया सब गाएं। तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे, तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यो त्यों तुलसी कृपाल, ज्यो त्यों तुलसी कृपाल, चरण शरण पावे तो दयाल देन हो, तो दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी, तो दयाल देन हो, तो दयाल देन हो, दयाल देन हो। माता पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की, कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चह शैल कुमारी। आज आप गुरु रूप में बैठे हैं, मैं जानती हूं कि आप तीनों लोकों के गुरु हैं, नाट्य शास्त्र आपने दिया भरत मुनि को, व्याकरण आपने दी पाणिनि को, अपने योग दिया पतंजलि को, आपने अलग अलग ऋषियों को अलग अलग विद्याएं दी प्रभु, लेकिन इतने बड़े गुरु की पत्नी अगर अज्ञान में हो तो अच्छी बात नहीं है, दिया तले अंधेरा। भगवान शिव ने पूछा आपको कौन सा अज्ञान है देवी, बोले पिछले जन्म में भी मुझे अज्ञान था, आपने कहा था ये राम है भगवान है, और मैंने कहा ये रोते हुए लोग भगवान कैसे हो सकते हैं, उस कारण मुझे आपकी पत्नी पद से वंचित होना पड़ा, पिता के यज्ञ में जलना पड़ा, फिर उसके बाद अगला जन्म लेकर हजारों वर्ष तप करने के बाद फिर मैंने आपको पाया, लेकिन मेरा वो अज्ञान अभी गया नहीं। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। अगर कोई आदमी खाली वायु पर रहता हो, जल भी ना पीता हो, ये मत समझना कि बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, तपस्वी हो सकता है। अगर कोई एक पैर पर 20 साल खड़ा रहे तो तपस्वी हो सकता है, लेकिन आवश्यक नहीं कि ज्ञानी हो। दुनिया में सबसे बड़ा तप पार्वती माँ ने किया है, लेकिन वो कह रही है कि मेरा अज्ञान अभी दूर नहीं हुआ, क्योंकि अज्ञान तो तभी दूर होगा जब आप किसी ज्ञानी के चरणों में बैठकर ज्ञान को प्राप्त करेंगे। तो आज माँ पार्वती बैठी हैं, और जब उन्होंने राम चर्चा की, राम जी की कथा सुनने की प्रार्थना की, तो भगवान शिव ने उनको दो बार धन्यवाद दिया। आप लोग भी धन्यवाद दे लीजिए, आप तेरस का देने वहां प्रसन्न हो जाएंगे। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उप
उपकारी। दो बार धन्यवाद दिया और साथ में सबसे बड़े परोपकारी का मेडल भी दिया। पार्वती जी ने पूछा, जी मैंने तो कोई धर्मशाला बनाई नहीं, कोई यज्ञ कराया नहीं, कोई भंडारा कराया नहीं, प्याऊ लगाई नहीं, गरीब कन्याओं का विवाह किया नहीं, मैंने क्या परोपकार किया? अरे बोले देवी, ये तो छोटी छोटी बातें जो आप कर रही हो। आप स्कूल बनाओगे तो कितनी दूर के लोगों को पढ़ाएगा? आप अस्पताल बनाओगे तो कितनी दूर के लोग इलाज कराएंगे? 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और क्या? आप भंडारा करोगे तो 6 घंटे, उसकी भंडारे की वैल्यू क्या है? 6 घंटे, 6 घंटे बाद आदमी को फिर भूख लगेगी। लेकिन अगर आपने किसी के मन में एक विचार डाल दिया, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति विचार की है। आज दुनिया के जितने देशों पर जितनी सत्ताओं का शासन है वो किसी ना किसी विचार से संचालित है। इस्लाम एक विचार है, क्रिश्चियनिटी एक विचार है, कम्युनिज्म एक विचार है, सब सारी शक्ति विचार की है। बाकी लोग तो विचार के फॉलोअर होते हैं। इसलिए माता पार्वती को कहा, आपने जो रामकथा पूछी है ना देवी, ये पूरे विश्व का संचालन करेगी, पूरे विश्व के लिए एक सबसे दिव्य संविधान होगा, जिसका पालन करने पर व्यक्ति का जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बनेगा। इसलिए दुनिया का यह सबसे बड़ा परोपकार है। ध्यान रखना पार्वती जी, भगीरथ मेरी जटाओं से गंगा जी लेकर गए थे, लेकिन आप जो गंगा जी ला रही हो मेरी जीभ से आएगी। वो गंगा जी का नाम जटाशंकरी और ये जो कथा है इसका नाम जिभाशंकरी। इसलिए ये नहीं कहा कि कथा मंदिर है, ये कहा कथा गंगा है, क्योंकि मंदिर में जाने का टाइम टेबल है। मंदिर में आप पवित्र अवस्था में ही जा सकते हैं, लेकिन गंगा कहेगी आप कैसे भी आओ, अपवित्र आओ, आओ मेरी गोद में आओ, मैं पवित्र करूंगी। गंगा में एक डुबकी आप लगाएंगे, आप पवित्र। ये कथा तो गंगा है, 24 घंटे कभी भी आप शुरू कर दीजिए। सकल लोक जग पावनी गंगा, ये जो गंगा जी है कितनी दूर तक जाती है? चंदौसी में तो आती नहीं, चंदौसी वालों को जाना पड़ता है। लेकिन कथा की गंगा, कथा की गंगा तो अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में, कहीं भी गाओ, जहां चाहो वहां गाओ, हर घर तक, हर व्यक्ति के जीवन तक पहुंचने में ये गंगा सक्षम है। इसलिए सकल लोक जग पावन गंगा। अब मां भगवान शिव ने दो बार मां पार्वती को धन्यवाद दिया। अब आपको कोई एक गिलास पानी भी पिलाता है तो आप थैंक यू बोलते हैं कि नहीं? और आप यहां तीसरा दिन हो गया आपको कथा का अमृत पीते पीते, तो अब आप धन्यवाद बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? किसको बोलेंगे? धन्यवाद देंगे, किसे देंगे? कथा के धन्यवाद के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं वो कथा के आयोजक हैं। कोई कितना भी अच्छा वक्ता हो और कोई कितना भी अच्छा श्रोता हो, भले ही भगवान शिव गंगा जी देने को तैयार हो, भले ही राजा सागर के पुरखे उनके पुत्र ये तरने को तैयार हो, लेकिन जब तक बीच में भगीरथ ना हो तब तक गंगा जी कैसे आएंगे? तो ये जो कथा होती है कहीं भी, यहां संजीवनी परिवार के द्वारा हो रही है, लेकिन जहां भी कथा होती है उसमें कुछ लोग लगते हैं, वो अपना तन भी, मन भी, धन भी, अपना समय भी सब लगाते हैं, तब जाकर कोई आयोजन होता है, तब सब लोग सुन पाते हैं। तो श्री परमेश्वरी जी भाई साहब और उनका पूरा परिवार, उनके पुत्र और उनके पिताजी की दिव्यता का तो कहना क्या है, वो तो बाढ़ई पूत पिता के धर्मा, वो तो इतने भाव से वो करते हैं। तो पूरे संजीवनी परिवार के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सबकी हो जाएं धन्यवाद के रूप में। ये भगवान शिव ने धन्यवाद दिया, इसलिए ये कथा की परंपरा है कि धन्यवाद दिया जाए। और मां पार्वती ने पूछा कि भगवान कैसे होते हैं, पहले मैं ये जानना चाहती हूं। देखिए दुनिया में सारे झगड़े इसी बात पर है कि भगवान कैसा है। भगवान को सब मानते हैं, लेकिन मेरा वाला माना जाएगा कि तेरा वाला माना जाएगा, इसी पे तो लड़ाई है। इस बात पर भी लड़ाई है कि तिलक यूं लगेगा कि यूं लगेगा, ऊर्ध्वपुंड होगा कि त्रिपुंड होगा। इसी बात पर हमारे देश में शैवों वैष्णवों में हजारों युद्ध हो गए अब तक। अब तो खैर थोड़ी शांति है। और ये सारे झगड़े, ये आचार्य लोग जो हर धर्म के बड़े लोग हैं, ये उन्हीं के अहंकार के कारण होते हैं सब। इसलिए भगवान शिव चूंकि तीनों लोगों के गुरु हैं, वो सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं कि कभी भी किसी को गलत मत समझिए,
परमात्मा को पाने के जितने भी साधन है, जितनी भी सड़कें हैं, जो चाहे जिस पथ से आए साधक केंद्र बिंदु पहुंचेगा। जो साधना करेगा वो परमात्मा को प्राप्त करेगा, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी। इसलिए आपको जो पद्धति अच्छी लगती हो आप उससे करें, लेकिन दूसरे को भी गलत ना माने। इसलिए भगवान शिव ने कहा, जो निर्गुण को मानते हैं वो भी सत्य हैं, जो सगुण को मानते हैं वो भी सत्य हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बोध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। मंगल भवन अमंगल आरी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। निर्गुण निराकार और सगुण साकार में कोई भेद नहीं। अगुण अरूप अलख अज जोई, आपकी बीच में एक विषय थोड़ा सा ध्यान दिला रहा हूं कि अभी अभी आपने, आप में से जिनको अंतर्राष्ट्रीय विषयों में रुचि होगी, उन्होंने देखा होगा अभी बीच में इसराइल में और फलस्तीन में जो आतंकवादी संगठन है हमास, उसमें काफी झगड़ा हो रहा था। तो वहां एक मस्जिद है जिसका नाम है अलक्सा। ये पूरे दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे पवित्र मस्जिद मानी जाती है अलक्सा। और जो तीनों बड़े धर्म निकले, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और यहूदी, वो उसी मस्जिद से निकले। अलक्सा का मतलब होता है अलक्ष, जैसे हमारे यहां संत बोलते अलख निरंजन, इसलिए अलेक्जेंडर, जो सिकंदर आया था उसका नाम था अलेक्जेंडर, माने अलक्षेंद्र, इंद्र एक प्रकार से अलक्ष इंद्र। तो आपको खुशी होगी ये सुनकर कि इसराइल में यरूशलम में वो मस्जिद जिस नगर में स्थित है उस नगर का नाम है रामल्लाह। रामल्लाह आप गूगल पे रामल्लाह डालेंगे तो आ जाएगा। रामल्लाह सिटी में वो अलक्सा मस्जिद है। यानी इससे आपको महसूस होगा कि पूरी दुनिया में जितने धर्म हैं, जितने लोग हैं, सब अपने ही हैं। अभी परसों मोहन भागवत जी ने कहा कि हिंदुस्तान के जितने लोग हैं सबका डीएनए एक ही है। अभी चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, वो साइंटिफिक बात बोले, आजकल तो लैब की सुविधा है, आप चेक करा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पूरी दुनिया में जितने मनुष्य हैं वो किनकी संतान है? भगवान कृष्ण ने गीता में बोला सप्त ऋषियों और मनु महाराज की संतान है। आप चेक करा लीजिए ना डीएनए। जिनको आप सबसे नीचा मानते हो और जिनको आप सबसे ऊंचा मानते हो, दोनों का चेक करा लीजिए, एक आएगा। आज करोड़ों वर्ष के इस काल में हम कितने भी जातियों में बट गए हों, लेकिन मूल रूप से तो हम सबके बाबा तो एक ही हैं। अच्छा, ब्रह्मा जी सबके बाबा हैं कि नहीं? अब वो थ्योरी तो गलत हो गई कि हम बंदर की संतान है, बंदर से मनुष्य बना। वो थ्योरी तो पश्चिम के विकसित देशों के वैज्ञानिकों ने गलत सिद्ध कर दी। अभी पिछले लाखों साल में तो किसी बंदर को इंसान बनते नहीं देखा गया। क्या वो प्रोसेस बंद हो गया? जिनको पता नहीं था, जिनको 2000 साल पहले जो लोग गुफाओं में रहते थे वो क्या जाने, इसलिए उन्होंने डार्क हिस्ट्री कर दिया। लेकिन अब सिद्ध हो रहा है धीरे धीरे। इसलिए पूरे संसार में ध्यान रखिए, ये हिस्ट्री कौन बताएगा आपको? आपका शास्त्र बताएगा। पूरे संसार में जितने मानव प्रजा हैं वो सब यहीं से गए। इसलिए दुनिया की हर भाषा में संस्कृत के शब्द हैं, दुनिया की प्रत्येक भाषा में। आप देखिए, त्रि संस्कृत में त्रि, इंग्लिश में थ्री, या षष्ठ वहां सिक्स, या सेवन सप्तम, अष्टम एट, नवम नाइन, डोर द्वार, मदर मात्र, लाखों शब्द फारसी में, अरबी में, सब में संस्कृत के, सब अपने ही हैं। लेकिन पिछले 2000 वर्षों से भारत के सन्यासियों ने विदेश यात्राएं बंद कर दी, तो जब सूरज के बेटों ने जाना बंद कर दिया तो फिर लालटेन के बेटे निकल पड़े।
प्रकाश तो चाहिए ही आदमी को, लेकिन आज पूरे संसार में जितना झगड़ा है, जितना रक्तपात है केवल इस नाम पर कि मेरा बोला हुआ भगवान सत्य है कि आपका बोला हुआ सत्य है। हमारे ऋषि ने तो नहीं कहा कि आपको हमारा वाला मानना पड़ेगा। हमारे यहां एक एक भाषा में तो प्रार्थना नहीं होती, उनके यहां पूरी दुनिया में एक ही भाषा में होती है, अरबी भाषा में ही पुकारा जाता है भगवान को। अरे भाई जो पंजाबी है वो पंजाबी में पुकारेगा, गुजराती गुजराती में पुकारेगा, मारवाड़ी मारवाड़ी में पुकारेगा। आप एक भाषा को क्यों थोप रहे सबके ऊपर? तो ये कितना सुंदर समाधान भगवान शिव कर रहे हैं कि कोई भेद नहीं है। हमारे भारत में भी मूर्ति पूजा को ना मानने वाले संप्रदाय हैं, जैसे आर्य समाज है, बहुत सारी चीज है। हमारे जितने निर्गुण संत हैं वो नहीं मानते, लेकिन कहां लड़ाई होती है आपस में? कबीर से कोई लड़ता है क्या? कबीर निर्गुण है। तो इसलिए भगवान शिव ने कहा सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, बस अंतर इतना है कि जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, जब कोई भक्त बहुत प्रेम से पुकारता है तो वो उसके लिए सगुण साकार होकर प्रकट हो जाता है। जैसे प्रहलाद के लिए हुए, जैसे ध्रुव के लिए हुए, मीरा के लिए हुए, नरसी के लिए हुए, हजारों लोगों के लिए हुए। तो ये प्रेम की बात है, आपके अंदर गुण देखेंगे तो भगवान रिझेंगे। आइए एक सुंदर सा भजन सब लोग गाएं प्रेम से ताली बजाकर। प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं ये पक्की बात है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। देखिए कैलाश पर कथा चल रही है, हालांकि मौसम कैलाश जी वाला नहीं है, क्योंकि कैलाश पर तो बहुत ठंडा है, लेकिन ये भगवान थोड़ा आपसे तप करवा रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा मौसम बहुत बढ़िया होना शुरू हो जाएगा कैलाश जैसा, क्योंकि कैला मैया के धाम से महाराज जी आ गए हैं, पूज्य ऋषिराज गिरिजी महाराज। तो जरा सब लोग एक जोरदार ताली बजाकर महाराज जी का स्वागत करें। और पिछली बार जब बहजोई में कथा थी तब हम महाराज जी को प्रणाम करने गए थे, माँ को प्रणाम करने वहां गए थे, तो सब लोग जरा प्रेम से इस भजन। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं, यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का, विदुर के घर पहुँच कर भोग, विदुर के घर पहुँच कर भोग, छिलकों का लगाते हैं, विदुर के घर पहुँच कर भोग, छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। लिटा कर गीध को निज गोद में
आते लिटा कर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निजे रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निजे रीझ जाते हैं। मधुपुरी से गोपियों की विरह कथाओं पर न लौटे। मधुपुरी से गोपियों की विरह कथाओं पर न लौटे। मधुपुरी से गोपियों की विरह कथाओं पर न लौटे। मधुपुरी से गोपियों की विरह कथाओं पर द्रुपद जा की दशा पर द्वारिका से दौड़ आते हैं। द्रुपद जा की दशा पर द्वारिका से दौड़ आते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। दया निधि रीझ जाते हैं। दया निधि रीझ जाते हैं। अभी कुल मिला के 9 लोग खड़े हुए, 6 मातृशक्ति में से, 3 भाइयों में से, तो भगवान 9 पर ही रीझेंगे, फिर बाकी पर कैसे रीझेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान आपके भी हृदय में प्रकट हों, आपके हृदय को भी धाम बनाएं, मंगल भवन बनाएं, तो वो तभी होगा जब भक्ति के साथ गुणगान करें। देखिए, आप श्री परमेश्वरी जी भाई साहब के पिताजी को देखिए, मैं तो उनको देखकर कथा सुनाते सुनाते और भाव आता है, क्योंकि भगवान से लक्ष्मण जी ने पूछा कि प्रभु पंडाल में हजारों लोग बैठे हों, ये पहचान कैसे होगी आपका भक्त कौन है। भगवान ने कहा मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन बहनीरा। जो पुलकित होकर मेरा गुणगान करे, आंखों से आंसू बहने लगे, बिल्कुल शरीर एकदम भगवान के भाव में विभोर हो जाए, वो मेरा भक्त है। तो हैं तो आप सब भी भगवान के भक्त, लेकिन थोड़ा संकोच कर रहे हैं, तो थोड़ा खड़े हो जाइए सब लोग। चलिए एक बार वो कर लीजिए और महाराज जी आगे आशीर्वाद देने, महाराज जी सिफारिश कर देंगे भगवान से जिनके भी हृदय को धाम बनाना। मीठे रस से भरियो जी रानी लागे महारानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरियो जी रानी लागे महारानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। एक निवेदन है कि सीधे कोई नहीं खड़े रहेंगे, जो सीधे भी खड़े हैं वो तो बायां पैर दाईं ओर, दायां पैर बाईं ओर, कुछ ना कुछ हिलें जरूर। मीठे रस से भरियो जी रानी लागे महारानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरियो जी रानी लागे महारानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। ये पद विन्यास है। पीछे तक सब
यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी ए वृंदावन में धूम मचाए रही बरसाने की छोरी वृंदावन में धूम मचाए रही बरसाने की छोरी रज धाम राधा झुकी रज धानी लागे रज धानी लागे ए मन थारो थारो यमुना जी को पानी लागे ब्रज धाम राधा झुकी रज धानी लागे रज धानी लागे मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे मीठे रस से भरियो जी राधा रानी लागे महारानी लागे मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे अब की ताली भगवान श्री कृष्ण की कोई भी मूर्ति पूरे देश में सीधी खड़ी हुई नहीं मिलेगी हमेशा टेढ़े तीन जगह से टेढ़े हमेशा नृत्य करने की मुद्रा में इसलिए कोई भी सीधे खड़े ना रहे जरा नृत्य की मुद्रा में आए और भाव से गाएं जिनकी कमर कमरा जैसी हो गई है वो भी ठीक हो जाएंगे काना नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार 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 कोटिक रूप धरे मन मोहन कौ न पावे पार कोटिक रूप धरे मन मोहन कौ न पावे पार रूप रस की छबीली पट रानी लागे पट रानी लागे है मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे रूप रस की छबीली पट रानी लागे पट रानी लागे मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे मीठे रस से भरियो जी राधा रानी लागे महारानी लागे मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे भाई जेपी जी तो बहुत अच्छा करते करवा कन्हैया लाल की संजीवनी आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कथा में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की राधा राधा नाम रटत है जो नर आठोया तिन की बाधा दूर करत है पावन राधा नाम तिन की
बाधा दूर करते हैं पावन राधा नाम। राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। ए मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरियो जी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। जय जय श्री राधे। विराज ये समझ लीजिए कि जैसे भक्ति के गुणगान से आपके अंदर उत्साह आ गया, क्योंकि जिनमें उत्साह होता है वही उत्सव कर पाते हैं। भगवान के गोपाल सहस्त्र नाम में, भगवान श्री कृष्ण के 1000 नामों में से 4 नाम है नित्योत्सवो, नित्य सौख्यो, नित्य श्री, नित्य मंगला। जहां नित्य उत्सव है, और नित्य उत्सव महाराज जी वही तो मना सकता है जिसकी बैटरी चार्ज हो। नहीं तो बाकी देशों में देखिए, बाकी धर्मों में देखिए, साल में 2-4 उत्सव मुश्किल से, उनमें से भी आधे उत्सव छाती पीटने के। हमारे यहां कोई उत्सव गम का नहीं है, कोई उत्सव छाती पे, सब प्रसन्नता के। हर उत्सव में हमारे यहां कढ़ैया चढ़ती है, चकाचक पकवान बनते हैं। ये भारत है, भगवान का देश है। क्योंकि भगवान नित्य उत्सव है, इसलिए 365 दिन में 370 उत्सव है। तो जैसे भक्ति आपके जीवन में उत्साह भर देती है, वैसे संजीवनी चाय भी आपके जीवन में उत्साह भर देती है। संजीवनी कौन है? भक्ति की संजीवनी। रघुपति भगति संजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। भगवान की भक्ति तो साक्षात संजीवनी बूटी है। तो भक्ति का गुणगान करते ही कितना आनंद आ गया। ज्यादा मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि पसीना बहुत ज्यादा ना हो जाए। भगवान शिव ने कहा, देवी पार्वती, जिनके अंदर ये परमात्मा के प्रति प्रेम होता है, उनके लिए परमात्मा निराकार से साकार हो जाते। माता पार्वती ने अगला प्रश्न पूछा, कब कब निराकार से साकार होते हैं प्रभु? क्या कोई टाइमिंग फिक्स है? पूर्णमासी, अमावस्या, दीपावली, होली, क्या कोई टाइमिंग फिक्स है? भगवान शिव ने कहा, कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, एवरी टाइम, हमेशा। हमारे ध्रुव जी को जब नारद जी ने मथुरा भेजा तप करने के लिए अयोध्या से, तो कहा कि जाओ, गच्छतात भद्रम ते यमुनाया सतटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरि। नित्यदा हरि यानी श्री हरि की कृपा 24 घंटे 24 आवर्स बरस रही है, 12 महीने नित्यदा। ये भारत है, भगवान का देश है। बाकी दुनिया के देशों में उनके दूत आते हैं, यहां साक्षात भगवान आते हैं, इसलिए उन्होंने देश को सबसे स्पेशल बनाया। अब बताइए, दुनिया के किसी देश पर 3 समुद्र हैं क्या? यहां अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, 3 है। दुनिया की सबसे लंबी सामुद्रिक सीमा हमारे पास है, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ हमारे पास है हिमालय, दुनिया की सबसे अधिक बारिश हमारे पास है मेघालय, चेरापूंजी, शंकर जी का शिवालय, डॉक्टर का चिकित्सालय, और बादलों का मेघालय। परमात्मा ने इस देश को कितना खूबसूरत बनाया। सबसे अधिक बारिश थी, सबसे बड़ा रेगिस्तान दिया, थार का मरुस्थल 2,00,000 वर्ग किलोमीटर, 10% ऑफ द होल इंडिया, इतना बड़ा रेगिस्तान दुनिया के किसी देश में नहीं है। सहारा इससे बड़ा है, लेकिन वो 8 देशों में फैला हुआ है। एक देश का सबसे बड़ा रेगिस्तान भारत का थार। दुनिया की सबसे अधिक भाषाएं दी, बाकी देशों में 1-1 भाषा, 2-2 भाषा, यहां तो कोस कोस पर पानी, 5 कोस पर पानी बदल जाते। दुनिया में सबसे अधिक रूप रंग वाले लोग दिए,
पूरे अफ्रीका में चले जाओ 60 देश हैं, सब काले हैं। पूरे यूरोप में 60 देश, सब गोरे हैं। चीन में सब पीले, जापान में सब चपटे हैं। और अपने पंडाल में देख लीजिए आप, दुनिया की हर वैरायटी मौजूद है। ये क्यों है? क्योंकि यहां 6 प्रकार की जलवायु है, 6 प्रकार की ऋतुएं हैं। दुनिया के देशों में कहां 6 ऋतुएं भाई साहब? यहां सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, हेमंत है, बसंत है, शरद है, 6 ऋतुएं। जहां ठंड पड़ती है वहां गोरा रंग पड़ता है, जहां गर्मी पड़ती है वहां काला रंग पड़ता है। अफ्रीका गर्म है इसलिए काला है, यूरोप ठंडा है इसलिए गोरा है। हमारे यहां उत्तर में हिमालय की ओर चले जाओ, सब गोरे मिलेंगे। नेपाल, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, सब गोरे मिलेंगे। दक्षिण की ओर जाओगे सब काले मिलेंगे। और बीच में आ जाओगे यूपी, मध्य प्रदेश वगैरह में, तो सारी वैरायटी एक साथ, क्योंकि 6 ऋतुएं। सबसे स्पेशल देश है, इसलिए इस देश में भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। कब कब लेते हैं? जब जब होए धर्म के हानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विभेद शरीरा, रही कृपा निधि सज्जन पीरा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जब जब होए धर्म के हारी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब उन्होंने पूछा, कब कब? इन्होंने कहा जब जब। ये बिल्कुल महाराज जी भगवत गीता का जो श्लोक भगवान का, यदा यदा ही धर्म से, उसका हिंदी अनुवाद गोस्वामी जी ने कर दिया। इसलिए रामायण में आपको भारत के सारे शास्त्र मिल जाएंगे। जो रामायण पढ़े और सारे शास्त्र पढ़े तो उसे सब पता लग जाएगा कि ये इस श्लोक का अनुवाद है, इस श्लोक का ऐसे। इसलिए ध्यान रखिए, इस चौपाई के माध्यम से मैं आपको केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान अगर कभी अवतार लेंगे तो कथा करने के लिए नहीं लेंगे। अगर किसी कथावाचक को, किसी को ये गलत फहमी हो कि भगवान कथा करने के लिए अवतार लेंगे, तो नो। उनका अवतार जब भी होगा, उनके दो ही डिपार्टमेंट होंगे, परित्रणाय साधुनाम, विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्टों का सर्वनाश, सज्जन शक्तियों का संरक्षण भी और संवर्धन भी यही करेंगे। वो कभी प्रवचन नहीं करेंगे। भगवान श्री राम ने कोई जीवन में स्पीच नहीं दी, इवन नॉट ए सिंगल स्पीच, इवन नॉट ए सिंगल बुक, ना कोई किताब लिखी, ना भगवान कृष्ण ने। प्रवचन भी किया तो केवल अर्जुन को। भगवान कृष्ण ने समझाया अर्जुन को, भगवान राम ने समझाया लक्ष्मण जी को, बाकी तो एक्शन करते हैं। भगवान नरसिंह ने कहां भाषण दिया? भगवान बामन ने कहां भाषण दिया? भगवान बारह ने कहां भाषण दिया? भगवान परशुराम ने कहां भाषण दिया? आगे भगवान कल्कि आएंगे संबल में। अरे वो अगर कथा अगर वो बोलेंगे तो हम लोगों का तो धंधा ही चौपट हो जाएगा, हम क्या करेंगे फिर? अगर भगवान कथा करने लगे तो हम क्या करेंगे फिर? अरे उनकी कथा हम लोग गाएंगे, जो कराएंगे वो भी उनकी कृपा प्राप्त करेंगे, जो सुनेंगे वो भी उनकी कृपा प्राप्त करेंगे, और जो बोलेंगे वो भी कृपा प्राप्त करेंगे, सबके ऊपर कृपा बरसेगी। इसलिए इस कथा के पंडाल में कौन आएगा? अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे ए मार्ग सोई। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जिन पर कृपा बरसेगी वो आएंगे। इसलिए ध्यान रखिए, आजकल लोग छोटे छोटे बात पर अपने को भगवान, किसी को भी भगवान कहने लगते हैं। भगवान कहना इतना आसान नहीं है। भगवान वो होता है जो पूरी पृथ्वी से अधर्म का नाश करके धर्म को स्थापित करता है। बाकी जब वो नहीं
अवतार होता तब तक उनके जितने भक्त है वो इस प्रयास में लगे रहते हैं, लेकिन जब उन पर नहीं संभलती, जब स्थिति बहुत खराब हो जाती तो भगवान स्वयं आते हैं। नहीं तो जब तक वो नहीं आते जब तक परिस्थिति, अभी तो परिस्थिति बहुत अच्छी है, आप कथा सुन रहे हैं, नहीं तो जब पाप बढ़ जाता है तो आप कथा भी नहीं करा सकते ना सुन सकते हैं भाई साहब। रावण का जब अत्याचार था तो उसने सारे कथावाचकों को देश निकाला कर दिया था, ते ही बहुविधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना, बहुत अत्याचार किया उसने। तो भगवान कब आएंगे, भगवान शिव ने बताया। उसके बाद पार्वती मां ने पूछा, मैं उनके कारण सुनना चाहती हूं, तो पहला कारण मैं आपको सुना रहा हूं जो श्रीमद् भागवत में भी नंबर एक पर गाया गया और श्री रामचरितमानस में भी नंबर एक पर गाया गया, जो दुनिया के सबसे टॉप के भक्त हुए। कौन हुए? अगर मैं आपसे भक्तों की लिस्ट बनवाऊं तो आप सोचिए कि परमात्मा को पृथ्वी पर जिनके लिए चार बार अवतार लेना पड़ा, ऐसे जो भक्त थे उनका नाम था जय और विजय। और जैसे आप हनुमान जी महाराज को पीछे देख रहे हैं, हनुमान जी महाराज कौन है? भगवान श्री राम के सबसे प्रिय सेवक, उनके द्वारपाल। तो जैसे हनुमान जी महाराज भगवान के प्रिय हैं, वैसे जय और विजय भी भगवान के सबसे प्रिय हैं। इसलिए उनको जरा प्रणाम कर लें। उनको प्रणाम इसलिए भी आपको करना चाहिए कि आप में से मरने के बाद कोई भी यमराज के यहां जाना नहीं चाहेगा, सब बैकुंठ जाना चाहेंगे, और बैकुंठ के गेट पर होंगे जय और विजय। जब तक उनकी साइन आपकी फाइल पर नहीं होंगे तब तक आपकी एंट्री होने वाली नहीं है। इसलिए उनको प्रणाम कर लेंगे तो वो जरा एंट्री आपको हो जाएगी। जय और विजय जाने सबको, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रगो सुदशरथ अजिर बिहारी। देखिए थोड़ा ध्यान से इस कथा को सुनिएगा, अगर ये एक कथा आपके दिमाग में बैठ गई तो आपको भक्ति की संजीवनी प्राप्त हो जाएगी। ये एक कथा सक्षम है, इसलिए इसको नंबर एक पर गाया गया है। भगवान विष्णु के दोनों परम प्रिय द्वारपाल जय और विजय किस क्वालिटी के रहे होंगे? जिस क्वालिटी के श्री हनुमान जी, अतुलित बल धामम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण दानम। लेकिन कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जब किसी बड़े व्यक्ति के साथ लगातार रहता है तो कई बार उसके मन में एक अहंकार हो जाता है। इनसे एक गलती हो गई कि इन्होंने सनकादिक ऋषियों का अपमान कर दिया। अब सनकादिक ऋषियों से आपका इंट्रोडक्शन में करा देता हूं कि ब्रह्मा जी ने जो पहले मानव की सृष्टि पृथ्वी पर की तो चार मानव बनाए, सनक सनंदन सनत कुमार सनातन, उनको कहा गया सनकादिक ऋषि। और उनसे कहा कि अब आप मानव को आगे बढ़ाइए, प्रजा को आगे बढ़ाइए। उन्होंने कहा हम माया के चक्कर में नहीं फंसेंगे। और वो 5 साल के बच्चे के हैं, वो हम सबके बड़े भाई, दुनिया के जितने मनुष्य हैं हम सबके बड़े भाई हैं वो, लेकिन रहते 5 साल के बच्चे की अवस्था में, और कथा ही उनका जीवन है। वो श्रोताओं को नहीं बुलाते, एक भाई कथा करते, 3 भाई सुनते, फिर दूसरे कथा करते, फिर 3 सुनते, ऐसे एक को कथा करना 3 को सुनना। भगवान को उनको ग्रीन पास मिला हुआ है, भगवान ने उनको कह रखा है आपको जब भी मुझसे मिलने आना वो सीधे अंदर आना। अब वो गए एक बार तो सनकादिक ऋषि का इन जय और विजय ने अपमान कर दिया। अब कैसे भी किया हो आप समझ लीजिए, कई बार सिक्योरिटी के लोगों की भाषा भी थोड़ी कड़ी हो जाती है। तो सनकादिक ऋषि ने कहा कि भाई आप भगवान के साथ रहने लायक नहीं हो, भगवान तो संतों का इतना सम्मान करते हैं और आप संतों से ऐसी वाणी बोल रहे हो, आप डंडा दिखा रहे हो मैं, और आपको हम श्राप देते हैं कि आप राक्षस हो जाओ। अब ये तपस्वी लोगों की एक बड़ी बीमारी है कि श्राप उनकी जेब में हमेशा तैयार है, ये बड़ा संकट है और इस श्राप ने बड़े नुकसान किए। अब इन्होंने राक्षस बनने का श्राप दे दिया तो मरे कौन बाद में? इन्होंने राक्षस बन के किसको मारा? ऋषियों को ही तो मारा। अरे आप पेड़ बनने का श्राप देते तो कम से कम ऑक्सीजन देते, फल देते, आपने सीधे राक्षस बना दिया। अब वो राक्षस बनने का जैसे ही श्राप मिला, अंदर से भगवान सीसीटीवी पर घटना देख रहे थे, दौड़कर बाहर आए। अच्छा वो भी बड़े कौतुकी हैं,
जब आपस में झगड़ा और बातचीत हो रही थी तब नहीं आए, तब आ जाते तो श्राप का ही होता। लेकिन उन्हीं की इच्छा रही होगी कि श्राप हो, क्योंकि अगर ये श्राप ना हो और धरती पर ये बवाल ना हो और अत्याचार ना हो और धर्म की गिलानी ना हो तो भला भगवान को अवतार लेने का अवसर कैसे मिलेगा, सोचिए तो से। इसीलिए तो भारत में सबसे ज्यादा उथल पुथल होती है। आपने देखा है दुनिया के किसी देश में कोई उथल पुथल नहीं होती, सब में एक सिस्टम बना हुआ है, उसी के आधार पर लोग जीते हैं। लेकिन यहां हर 100 साल में एक नया आंदोलन तैयार हो जाता है, हमेशा संघर्ष चलता रहता है, क्योंकि भारत की वास्तु को परमात्मा ने उल्टा बनाया। अब चूंकि संजीवनी वाटिका बनी है, आप कोई भी कॉलोनी बनाएंगे, अपना घर बनाएंगे, तो आप वास्तु में क्या ध्यान रखते हैं, दक्षिण पश्चिम ऊंचा हो उत्तर पूर्व नीचा हो, करते हैं कि नहीं, हर व्यक्ति करता है। लेकिन भगवान ने भारत को कैसा बनाया, दक्षिण पश्चिम को नीचा कर दिया, उधर सागर रख दिए और उत्तर पूर्व में हिमालय रख दिया, उल्टा कर दिया कि नहीं। इसलिए भारत में लगातार देवासुर संग्राम चलता है, लगातार। और अगर ये नहीं चलेगा तो उनको अवतार लेने का अवसर कैसे मिलेगा, तेजस्विता कैसे बढ़ेगी, आपके पुण्य कैसे बढ़ेंगे। अरे जब विपत्ति आएगी तभी तो आप पुण्यात्मा होंगे, तभी तो तेजस्वी होंगे। सुख में सुमिरन नहीं होता, दुख में अधिक होता है। इसलिए सबसे ज्यादा भक्ति का आंदोलन इसी देश में चलता है, और जब गर्दन पर ज्यादा तलवार चलती है तो भक्ति का आंदोलन उतना ही तीव्र। जिस समय मुगलों की तलवार चल रही थी उसी समय इस देश में मीराबाई, तुलसीदास जी, सूरदास जी, रहीमदास जी, कबीरदास जी, सब उसी समय हुए कि नहीं हुए। द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय अरविंद जय जान सबको। भगवान आए, भगवान ने ऋषियों से कहा मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, मेरे द्वारपालों से गलती हो गई। अब द्वारपाल देखें कि हम तो अपने आप को वीआईपी समझ रहे थे, तो भगवान इनसे क्षमा मांग रहे हैं, इसका मतलब है ऋषि तो बहुत वीआईपी है। ऋषियों ने कहा आप क्यों क्षमा मांगेंगे, गलती तो आपके कर्मचारियों ने की है। भगवान ने कहा कर्मचारियों की गलती मालिक की गलती मानी जाती है, क्योंकि मालिक ने ऐसे कर्मचारियों को अपने यहां नौकरी पर क्यों रखा, इसलिए मैं क्षमा मांग रहा हूं। ऋषियों ने कहा नहीं प्रभु, अब क्षमा मांगने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हमने तो इनको श्राप दे दिया। भगवान ने कहा क्या, बोले राक्षस बनने का। बोले कितने दिन, बोले 7 जन्म। अब तो 7 जन्म सुना तो दोनों भगवान के पैरों से लिपटकर इतना रोए, प्रभु क्षमा करवा दीजिए। भगवान को भी दया आ गई, भगवान ने ऋषियों से कहा क्षमा कर दीजिए। बोले प्रभु हो ही नहीं सकता, मुंह की बोली और राइफल की गोली वापस थोड़ी आएगी। अरे बोले कुछ तो करिए। तो ऋषियों ने कहा हम थोड़ा सा संशोधन कर सकते हैं, 7 जन्म को 3 जन्म में बदल सकते हैं, लेकिन उसमें एक शर्त है। अब थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, चूंकि आपको वोटिंग में भाग लेना है, ये 7 जन्म और 3 जन्म का क्या चक्कर है इसको समझिए। ऋषियों ने कहा कि अगर ये 7 जन्म आपकी भक्ति को बहुत ध्यान से करेंगे तो ये हीरो बन जाएंगे, दुनिया के हर घर में इनकी पूजा होगी, इनके चित्र लगेंगे। लेकिन अगर ये 3 जन्म का मार्ग चुनेंगे तो फिर इनको भयंकर राक्षस बनना पड़ेगा, और संसार का हर कथावाचक इनकी निंदा करेगा, इनके बड़े बड़े पुतले बनाकर दशहरे के मेले में आग लगाई जाएगी, बड़े बड़े सींग, बड़े बड़े दांत बनाए जाएंगे। अब ये चुन लेंगे, इनको नाम रूप यश चाहिए या बदनामी अपयश और कुरूपता चाहिए, बोलो भाई क्या चाहिए। अब आप बताओ, मैं आपसे कह रहा था ना थोड़ा ध्यान से सुनिए, आप किस पक्ष में हैं, 7 जन्म की 3 जन्म, थोड़ा सोचिए। इन दोनों ने कहा प्रभु 3 जन्म, 3 जन्म। भगवान ने कहा क्यों, हीरो बनना क्यों नहीं चाहते, विलेन बनना क्यों चाहते हो, 3 जन्म लोगे तो पूरी दुनिया में आपके नाम पर थू-थू होगी, आपके पुतले फूकेंगे, आपकी निंदा होगी। जानते हैं दोनों ने क्या कहा, दोनों ने आंखों में आंसू भर के कहा संसार से सम्मान पाने का हमारे जीवन में कोई इरादा नहीं है, परमात्मा हम तो आपके चरणों की सेवा में थे, हमसे गलती हो गई इसलिए राक्षस बनना पड़ा,
अब जिस विधि से हम आपके चरणों में दोबारा आ सकें जल्दी से जल्दी वही विधि अपनाना चाहते हैं। दुनिया हमारे पुतले फूके, हमारी निंदा करे, हमको उससे क्या मतलब है? हमें दुनिया का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें तो आपके चरणों की कृपा चाहिए बस। देखिए ये प्रेम होता है, इसको प्रेम कहते हैं। प्रेम का मतलब अपने सुख की कामना नहीं है। नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा तत् सुखात् सुखित्वम् इति प्रेम लक्षणम्। जिसको मैं प्रेम करता हूं मैं उसके सुख में सुखी हूं, और जहां अपने सुख की कामना आ गई वहां तो व्यापार हो गया। मैंने इतना किया तो आपने कितना किया। अब कोई माँ अपने बच्चों का पालन करती है तो अपने लिए खाना बचे या ना बचे बच्चों को पेट भर के खिलाती है, ये उसका प्रेम है। खुद गीले में हो जाती है बच्चों को सूखे में सुलाती है, उसका प्रेम है। एक गरीब बाप अपने बच्चों को पढ़ाने को चार चार साल नया कुर्ता नहीं सिलवाता, ये उसका प्रेम है। बच्चों को अच्छा खिलाना पढ़ाना चाहता है। जिन लोगों ने देश के लिए फांसी के फंदे चूमे, मेरा रंग दे बसंती चोला, उनका प्रेम था, उनका तो कोई एजेंडा नहीं था। तो चाहे आप परिवार को प्रेम करें, चाहे समाज को, चाहे राष्ट्र को, ये ध्यान रखिए कि आपका प्रेम तभी सत्य है जब बदले में आपकी कोई अपेक्षा ना हो। भगवान तो प्रसन्न हो गए, भगवान आपका मन देखते हैं, मन आपके मन में कितना प्रेम है। अब जरा फिर उस चौपाई को गा लीजिए, भगवान शिव ने बोली है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। ए जी प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, ए जी प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान सर्वत्र हैं, जिसके हृदय में प्रेम होगा उसके लिए प्रकट होंगे। जय और विजय के हृदय का प्रेम देखा तो भगवान ने वही, हे ऋषियों सावधान सुनो, ये दोनों मेरे कितने बड़े भक्त हैं, इन्होंने मेरी भक्ति के लिए 3 जन्म भयंकर राक्षस होना स्वीकार किया, अपनी बदनामी, अपनी कुरूपता, अपना अपयश स्वीकार किया। मैं इनको वरदान देता हूं कि जब ये राक्षस बनेंगे तो दुनिया के सबसे बलवान वैभवशाली राक्षस होंगे। दुनिया में किसी की औकात नहीं होगी जो इनसे आंख मिला ले, कोई इनको हरा नहीं पाएगा, ये पूरे विश्व को जीतेंगे। और मैं स्वयं आकर इनका उद्धार करूंगा, और ये भक्ति के सिद्धांत को निभाने के लिए ये 3 जन्म लेंगे तो मैं 4 जन्म लूंगा, भगवान ने घोषणा की। ये ऋषियों ने नहीं कहा था कि ये सबसे तेजस्वी राक्षस होंगे, भगवान ने वरदान दिया। अब कई लोग कहते हैं साहब रावण तो इतने पाप करता था और बहुत सारे साधु तो इतना तप करते थे और रावण फिर भी सोने की लंका में रहता था। अरे भैया आपने किसी का पूर्व जन्म देख लिया क्या? पूर्व जन्मों में देखो ना कितना पुण्यात्मा है, उसने जय और विजय के रूप में भगवान के चरणों की सेवा की है। इसलिए कभी किसी दूसरे को देख कर तुलना ना करें, ईर्ष्या ना करें। आपको क्या पता कि कौन आत्मा कितने जन्मों से कितने पुण्यों की गठरी ला रही है? हर व्यक्ति अपने कर्मों का ही तो फल भोग रहा है, इसलिए कभी किसी से न तुलना करें न ईर्ष्या करें। जय और विजय। ये त्रेता में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने सतयुग में, त्रेता में रावण कुंभकर्ण बने, द्वापर में शिशुपाल दंतवक्र बने, और भगवान ने इनको 4 जन्म लेकर मुक्त किया। 12 अवतार लिया, नरसिंह अवतार लिया, राम अवतार और कृष्ण अवतार। ऐसी ये दिव्य कथा, हम सबको ये प्रेरणा देने के लिए कथाएं सुनाई जाती हैं। मैं आपको ध्यान दिला दूं, आप सब अपनी आंखों से सबके चेहरे देख सकते हैं, अपना नहीं देख सकते। आपको अपना चेहरा देखने को एक शीशा चाहिए। ये कथा शीशा दिखाती है कि इतने बड़े लोगों में भी अहंकार आया तो उनको राक्षस बनना पड़ा, तो फिर हमको क्या बनना पड़ेगा? इसलिए हर कथा हमको कुछ ना कुछ मार्गदर्शन करती है। इसलिए जय और विजय को प्रणाम करने के लिए, चूंकि बैकुंठ तो हम सबको जाना ही है अंत में, तो अगर बैकुंठ जाना है
तो जय और विजय को एक भजन के माध्यम से हम लोग प्रणाम करेंगे और बड़ा प्यारा भजन है, ताली बजाकर सब लोग गाएंगे। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तेरी मोहनी सी मूरत मेरे दिल में बस गई है, तेरी मोहनी सी मूरत मेरे दिल में बस गई है। जैसे श्री हनुमान जी के मन में सीताराम जी बसे हुए हैं, उसी प्रकार आप भी अगर प्रेम करेंगे तो आपके मन में भी बसेंगे। ये तीन दिवसीय कथा का जो उद्देश्य है वो यही है कि हमारा हृदय भगवान का धाम बने, प्राण प्रतिष्ठा हम सबके प्राणों में हो जाए। भगवान का जो मंदिर बना है उसके जो इतने दिव्य स्वरूप हैं, वो केवल मंदिर जाकर ही दर्शन ना हो बल्कि जब दर्शन करके निकले तो 24 घंटे वही स्वरूप हमारे हृदय में बसा रहे, ये भावना। तेरी मोहनी सी मूरत मेरे मन में बस गई है, तेरी मोहनी सी मूरत मेरे मन में बस गई है। ओ सावरे सलोने अब और ना सताना, ओ सावरे सलोने अब और ना सताना, मुझे रास आ गया है तेरे दर में सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, 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 तेरी भक्ति ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना, तेरी भक्ति ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मैं बुरा बहुत बुरा हूँ पर दास हूँ तुम्हारा, मैं बुरा बहुत बुरा हूँ पर दास हूँ तुम्हारा, मैं बुरा बहुत बुरा हूँ पर दास हूँ तुम्हारा, मैं बुरा बहुत बुरा हूँ पर दास हूँ तुम्हारा। मेरे पास थाली झोली तेरे पास है खजाना, मेरे पास थाली झोली तेरे पास है खजाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। सबकी तालियां। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना। मीराबाई को उनकी सास ने कहा कुल नासी,
लोग कहे मीरा भाई रे बाबरी, सास कहे कुलनासी। जिन्होंने भी भक्ति के मार्ग में प्रवेश किया, लोगों ने उनको पागल कहा, क्या क्या नहीं कहा, लेकिन मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना। मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मेरी आरजू यही है दम निकले तेरे दर पे, मेरी आरजू यही है दम निकले तेरे दर पे। मेरा निवेदन है, ये अंतिम पंक्तियां हैं भजन की, आप भी अपनी आरजू अपनी एप्लीकेशन लगा दीजिए। अंत समय अगर ऐसा हो कि भगवान सामने खड़े हो तो क्या बात है। अंते नारायण स्मृति, मनुष्य का परम पुरुषार्थ यही है। अभी बाद में खड़ा करेंगे, अभी बैठ जाइए, अब तो समापन पर है, अगला करेंगे। अंते नारायण स्मृति, आखिर में जैसे भीष्म पितामह के सामने भगवान खड़े थे और उनको देखते देखते उन्होंने अपनी आत्मा उनमें स्थापित कर दी, उसी प्रकार तो आप तभी कर पाएंगे जब आपके हृदय में वो प्रेम होगा परमात्मा के प्रति, जो जय और विजय की कथा हमको सिखा रही है। परमात्मा की खुशी के लिए जो लोग जीवन जिएंगे, जो मन क्रम वचन से उनको समर्पित रहेंगे, उनको ये स्थिति प्राप्त होगी। इसलिए भीष्म ने अंत में कहा था, जब गोविंद ने कहा वर मांगो, उन्होंने कहा आप ही वर के रूप में मिल जाओ, मेरी एक बेटी है उसको वर नहीं मिला अब तक, कोई पिता बेटी का विवाह किए बिना मरे तो उसको शांति नहीं मिलती। भगवान ने कहा कैसी बातें कर रहे हैं आप, बाल ब्रह्मचारी नैष्ठिक, आपकी बेटी कहां से आ गई। पितामह ने कहा मेरी बुद्धि मेरी पुत्री है, परमात्मा मेरी बुद्धि। भारत का कोई पिता जब कन्यादान करता है तो हाथ में चावल तुलसी दल और कुश रखता है, मेरी पुत्री कुश की तरह एकदम पवित्र है, तुलसी की तरह संस्कारों से सुगंधित है और चावल की तरह सतोगुणी है। ओ पुत्री मैं कन्या आपको दे रहा हूं, मेरी बुद्धि बिल्कुल पवित्र है प्रभु, बचपन से मैंने गायत्री मंत्र जपा है, तत् सवितुर वरेण्यम, हे परमात्मा मैं तेरा वरण करूं, आप तो अंतर्यामी है, अगर मेरी बुद्धि आपके उपयुक्त तो हो, अगर उतनी पवित्र समझते हो तो आप स्वीकार करें मेरी आत्मा को। और वहीं स्वीकार हुआ, भीष्म की आत्मा परमात्मा में समा गई। तो ये इतना बड़ा महारथी लड़ा तो कौरवों की ओर से, लेकिन हृदय कितना पवित्र है कि परमात्मा उनको अंतिम विदाई देने स्वयं सामने आके खड़े हुए। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकलेगा। तो ये एप्लीकेशन हम सबकी हो जाए, और वो तब होगा जब हमारा जीवन कैसा हो, आज तक जैसा भी रहा हो, आज संकल्प लें ऐसा जीवन होगा प्रभु कि आपका हृदय प्रेम प्रेम आपके हृदय से, हमारा हृदय आपके प्रेम से भरा होगा। और अंते नारायण स्मृति, मेरी आरजू यही है दम निकले तेरे दर पे, मेरी आरजू यही है दम निकले तेरे दर पे, अभी सांस चल रही है कहीं तुम चले न जा, जय हो hey! अभी सांस चल रही है कहीं तुम चले न जाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया पुजारी मुझे मिल गया ठिकाना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना तेरे दर पे सर झुकाना तेरे दर पे सर झुकाना आपका प्रेम परमात्मा को प्रकट कर सकता है। मैं आदरणीय श्री परमेश्वरी जी भाई साहब से प्रार्थना करूंगा संजीवनी परिवार की ओर से। परमेश्वरी जी आप एक मिनट को आए, आप आ जाएं पहले और दो शब्दों में अपने जयप्रकाश जी कहाँ हैं? अच्छा पहले आप कर दीजिए फिर वो कर देंगे। बहुत सुंदर आयोजन जो भाई साहब ने किया उसके लिए आपका आभार प्रकट करेंगे। मंच पर विराजमान परम पूज्य आदरणीय अतुल महाराज जी, सामने बैठे हमारे किला देवी के आदरणीय संत जिनका आशीर्वाद मुझे हर समय मिलता है, और मेरे सामने बैठे बुजुर्गण मात्र शक्ति। आज 3 दिन का एक कार्यक्रम हुआ, मैं वाकई में ये कहना चाहता हूँ कि एक एक शब्द जीवन में उतारने का है।